बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद जहाँज़ेब सईद। आई लुक आफ्टर होम एंड बिजनेस फाइनेंस प्रोडक्ट्स एट दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान। हमारा जो आज का मौजू है इस वेबिनार का, वो है हाउ टू गेट लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस थ्रू इस्लामिक बैंकिंग, या एक अगर हम आम आदमी के परस्पेक्टिव से बात करें कि किस तरीके से शरई सूलों के मुताबिक जो हुकूमत पाकिस्तान की लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है उसको एक आम आदमी अवेल कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम स्टार्ट हमारा जो पिछला वेबिनार हुआ था वो बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स था, जो कि हमने इस्लामिक होम फाइनेंस पे किया था। और हम इस वेबिनार का आगाज़ इरशाद बारी ताला से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक हदीस शरीफ का मफहूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक नेक बीवी, कुशादा घर और अच्छी सवारी, अगर किसी भी इंसान के पास ये तीन चीजें हैं तो इस पे अल्लाह ताला का खास कर्म फजल है। तो एक कुशादा घर या आरामदेह घर इंसान की बुनियादी जरूरत है, और शरीयत के हिसाब से भी जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं उन नेमतों के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है। तो आज जो हमने ये वेबिनार का इनेकाद किया, इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ IBACF का और तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनका इंट्रोडक्शन में भी आपको कराऊंगा, और खसूस तौर पर अहमद अली सिद्दीकी साहब का, कि जिनके तवस्सुत से आज ये पैगाम एक आम लोग की तरफ जा रहा है कि वो किस तरह से शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं, वो भी इस्लामिक की जो लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है। आप अगली स्लाइड पे जरा लिख लीजिए प्लीज। देखिए, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी कुछ अर्से पहले, तो इस पे थोड़ा सा मुश्किल आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की जो फिगर्स हैं वो बड़े इंकरेजिंग है। तकरीबन 50 अरब के करीब लॉगिन्स हो चुके हैं, 47,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन है, कोई 15 बिलियन रुपए के अप्रूवल आ चुके हैं, 5,500 एप्लीकेशन हैं, और तकरीबन 1 बिलियन के केसेस डिसबर्स भी हो गए। अब इस चीज़ को किस तरह से मज़ीद हम बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमारा आज पैनल ऑफ स्पीकर्स है जिनका मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ, और साथ साथ उनके इंट्रोडक्शन के जो उनके प्रोफाइल्स हैं वो भी मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले हमारे साथ अहमद अली सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर IBA सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन इस्लामिक फाइनेंस हैं और SEVP और ग्रुप हेड शरिया कंप्लाइंस हैं मीजान बैंक में। ये बात करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग के बुनियादी कवानीन क्या है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं, और किस तरह से जो इस्लामिक होम फाइनेंस की प्रोडक्ट है वो स्ट्रक्चर होती है शरई उसूलों के मुताबिक। हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं मोहतरम नवीद मलिक साहब, जो कि हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग है दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान के। ये हमें बताएंगे कि जो इस्लामिक होम फाइनेंस या इस्लामिक लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस है उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे थे बैंकों को, और किस तरह से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चेंजेस किए उसके बाद उन चैलेंजेस में हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आई हैं, और उसके अलावा क्या पॉलिसीज हैं और कॉमन सवाल लोगों के क्या होते हैं और उनके क्या क्या जवाब आते हैं। उसके बाद मोहतरम अरशद मजीद साहब, जो कि ग्रुप हेड कंज्यूमर फाइनेंस है मीजान बैंक लिमिटेड के, वो बताएंगे कि जो ये लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस है इसकी एप्लीकेशंस का प्रोसेस फ्लो क्या होता है, एक आम आदमी किस तरह से ब्रांच जाके दरख्वास्त दे सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या कागजात होते हैं जो कि उसको अपनी दरख्वास्त के साथ जमा करवाने होंगे, और क्या स्टेप्स और क्या मुफीद मशवरे हैं प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट करने के लिए। क्योंकि इसमें जो मेजर चैलेंज आ रहा है कि जैसे मैंने आपके साथ फिगर शेयर की कि 50 अरब के हमारे पास लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, लॉगिन्स किए हैं, लेकिन डिसबर्समेंट हमारे से 1 अरब की हुई है, तो इसमें किस तरह से प्रॉपर्टीज सेलेक्ट की जानी चाहिए। ये दोनों बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक और मीजान बैंक, होम फाइनेंस के हवाले से या इस्लामिक होम फाइनेंस के हवाले से बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ मिलकर, और इंशाल्लाह ताला इससे हमारा जो एंड यूजर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद हमारी खुश नसीबी है आज के हमारे साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब मौजूद होंगे, जो कि फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अखुवत के। इनका माशाल्लाह बहुत ही ग्लोरियस करियर है, सिविल सर्विसेज से इन्होंने स्टार्ट लिया। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको आज बताएंगे अखुवत की जो पूरी सक्सेस स्टोरी है फॉर प्रमोशन ऑफ इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस, बिलखसूस जो लो कॉस्ट हाउसिंग है और जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव ले रहे हैं और जो अखुवत के फ्यूचर प्लान्स हैं, और किस तरह से उन्होंने शरई उसूलों के को सामने रखते हुए एक रोल मॉडल पूरी दुनिया के लिए कायम किया। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ हम तमाम गुफ्तगू करें लेकिन जो हमारा रेगुलेटर है उसको मेंशन ना करें तो ये बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी।
मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो गवर्नर साहब का, रजा बाकर साहब का, कि जिन्होंने ये तमाम चेंजेस की वजीर आजम की हिदायत के ऊपर। और स्टेट बैंक माशाल्लाह बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा है इस तमाम पहलू पे, लो कॉस्ट हाउसिंग पे और मॉर्गेज फाइनेंसिंग पे। हमें आज इज्जत बख्शी है जनाब इमरान अहमद साहब ने, जो कि स्टेट बैंक के एडिशनल डायरेक्टर हैं डेवलपमेंट फाइनेंस सपोर्ट यूनिट के। ये इनका डिपार्टमेंट और इनका जो फंक्शन है, इसका बहुत कलीदी किरदार है इस तमाम चीज़ों में। और ये बेसिकली जो स्टेट बैंक ने कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है कि अगर किसी सारिफ को कोई शिकायत है या कोई बैंक उसको एंटरटेन नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से कंप्लेन लॉन्च करा सकता है, किस तरीके से बैंकों के साथ इन्होंने फोकल पर्सन बनाए, वो किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए इनके स्टेट बैंक के इस डिपार्टमेंट में। और भी स्टेट बैंक के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये इंशाल्लाह इस चीज़ पे लोगों को आगाही देंगे कि किस तरीके से अगर किसी भी सारिफ को, किसी भी आदमी को प्रॉब्लम आ रही है ये फाइनेंसिंग अवेल करने के लिए, खसूसी तौर पे शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग फाइनेंस लो कॉस्ट, तो वो क्या 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 किस तरीके से बैंक को अप्रोच कर सकता है, क्या चैलेंज अवेलेबल है। आखिर में हर वेबिनार की तरह हमने सवाल जवाब का एक सेशन रखा है। हमारा जो आज का ये मुजाकरा है, इसकी कोई तकरीबन 1 घंटे हमारा ड्यूरेशन है, और इसमें हमने आखिरी 10 मिनट सवाल जवाब के लिए रखे हैं। जो मौजूद सामईन हमारे साथ आ चुके हैं या जो आने वाले हैं, उनसे एक गुजारिश है कि आपके जो भी सवाल आते हैं वो आप एक चैट बॉक्स में दिए गए जो हिस्सा है उसमें आप डालें, और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उन सवाल को ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन आपके साथ उनके जवाब दे सकें। और अगर कुछ ऐसे सवाल हुए कि जो उस पैनल डिस्कशन के दौरान हम नहीं दे पाए, तो हम कोशिश करेंगे कि आखिर में हम आपको देंगे। इसके अलावा जो सामईन हमें इस वक्त ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारी जो इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग है, इंशाल्लाह ताला IBA के सोशल मीडिया हैंडल्स पे अवेलेबल होगी, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, तो आप इस वेबिनार में लाइव शिरकत नहीं कर सके, तो आप बाद में भी यहाँ पे जो बहस हुई जो यहाँ पे मुजाकरा हुआ है, या जो फाइनेंस की जो पहली प्रोडक्ट बनी थी मैंने उसमें अहमद भाई का गली थी, और फीचर्स उनके बारे में। जी अहमद साहब, आप स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, एंड थैंक यू जानजेब, एंड आई लाइक टू वेलकम ऑल ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड पैनलिस्ट ऑफ द वेबिनार ऑन बिहाफ ऑफ IBA सीफ थ्रू जूम। आज का वेबिनार बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत टॉपिक है कि कैसे लो कॉस्ट हाउसिंग फाइनेंस के मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और किस तरह से हम इस स्कीम को प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस इसका इसका इसे फ़ायदा उठा सकें। और इसी हवाले से कि इस स्कीम का जो शरिया कंप्लाइंट स्ट्रक्चर है, या जो इसका जो पूरा मैकेनिज़्म है, वो किस तरह से काम करता है, तो ये आज हमारे इस वेबिनार का टॉपिक है। और इसी हवाले से मैं इंशाल्लाह आप लोगों से मुख्तसर सी बात करूंगा कि जो शरिया कंप्लाइंट होम फाइनेंसिंग है, वो किस तरह से काम करती है और उसके क्या बुनियादी उसूल हैं। एंड आई स्टार्ट बाय शेयरिंग माय प्रेजेंटेशन हियर। जस्ट लेट मी
हाउसिंग फाइनेंस कैसे हासिल की जाए, इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग तरह वर्क करती है, इस पे मैं अपनी बात करूंगा। प्रेजेंटेशन आउटलाइन में जो टॉपिक मैंने कवर करने हैं कि वाई इस्लामिक हाउस फाइनेंस, इस्लामिक होम फाइनेंस या शरिया कंप्लाइंट हाउस फाइनेंस क्यों हासिल की जाए, और ये इस्लामिक होम फाइनेंस जिस प्रिंसिपल्स पे काम करती है, जिसमें पाकिस्तान दुनिया भर में इस्लामिक जो मालियाती इदारे और बैंक्स हैं वो किन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इस्लामिक होम फाइनेंसिंग अपने कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, उसका बेसिक शरिया यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका शरिया प्रिंसिपल्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और एक कस्टमर के लिए एक अप्लाई करके एक क्विक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस क्या होता है, और एक एग्जाम्पल कोशिश करूँगा कि आपको ये बता सकूं कि एक जो मॉडल है होम फाइनेंसिंग कंप्लाइंट तरीके से वो किस तरह काम करता है। ऐसा बात अभी जानजेब साहब ने भी की कि अच्छा घर लेना हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत में शामिल है, और ये इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि ये एक नेमत के तौर पे भी इसको का जिक्र किया गया, और इसको इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने उसको एक कुशादा घर अता किया। और बीइंग अ मुस्लिम इट्स अ डिज़ायर फॉर ऑल मुस्लिम्स कि हम अपना घर बनाएं या घर खरीदें तो वो किसी भी गैर शरई यानी उसमें कोई गैर शरई हरकत ना हो या सूद से वो मुकम्मल तौर पर पाक हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बड़ा हमारे माशरे में भी है और इसकी शरिया प्रिंसिपल्स भी हैं कि अगर आप एक कोई ट्रांजेक्शन सूद के ऊपर करते हैं या सूद पर कर्जा लेके घर बनाते हैं तो एक जो बरकत का एलिमेंट है वो उसमें से ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान में कन्वेंशनल जो लोन हैं, जो होम लोन की स्कीम्स हैं कन्वेंशनल बैंकों की तरफ से, वो शरई प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं है, और वो बेसिकली सूद पे कर्ज़ा देने की स्कीम्स हैं, और एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की और दुनिया भर के मुसलमानों में ये एक ख्वाहिश पाई जाती है कि वो अपने घर की जब फाइनेंसिंग करें तो वो सूद को अवॉइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 2003 के बाद से शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम्स मौजूद हैं, मीज़ान बैंक ने इसको इंट्रोड्यूस किया, बैंक इस्लामी, DIB, बहुत से इस्लामिक बैंक्स इसको ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे इस्लामिक जो विंडोज़ हैं कन्वेंशन बैंकों की वो भी इस्लामिक होम फाइनेंसिंग अपने काउंटर से ऑफर कर रहे हैं, और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद कस्टमर्स की और स्टेट बैंक के अंदाजे के मुताबिक 60% से ज़्यादा जो होम फाइनेंसिंग पाकिस्तान में हो रही है वो शरई उसूलों की बुनियाद पर है। और रिसेंटली हुकूमत पाकिस्तान का ये जो स्टेप है, स्टेट बैंक का एक स्टेप है कि हम लो कॉस्ट हाउसिंग को कस्टमर्स को ऑफ़र करें, तो उसके अंदर ये शरिया कंप्लाइंट हाउसिंग का जो प्रोडक्ट है ये एक बहुत अहम ज़रूरत थी माशरे की, और लोगों की ख्वाहिश भी थी कि उनको आसान तरीके से कम नफ़े पे या कम प्रॉफिट रेट पे होम फाइनेंसिंग की सहूलत मिले। तो आज इसी सिलसिले में ये किस तरह से काम करती है इसके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले जो शरई प्रिंसिपल या जो तरीक़ेकार है जिससे इस्लामिक बैंक्स काम करते हैं उसको मुशारका या डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं। इसकी वैसे तो शिरकत की दो किस्में होती हैं, एक वो किस्म होती है कि जब कोई आदमी तिजारत की गर्ज से किसी बिजनेस में किसी फैक्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करता है उसको हम शिरकतुल अक्द कहते हैं, लेकिन जो हमारे आज के मौजू से जो रिलेटेड प्रोडक्ट है या जो तरीक़ेकार है उसको हम कहते हैं शिरकतुल मिल्क, यानी कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग किसी असासे को, किसी घर को, किसी गाड़ी को अगर ख़रीदते हैं तो ये उनकी शराकत या जॉइंट को ओनरशिप हो जाती है। तो इस्लामिक बैंकों में जो तरीक़ेकार है होम फाइनेंसिंग का वो शिरकतुल मिल्क या इसको हम कहें कि जॉइंट ओनरशिप प्रोग्राम के तहत, जॉइंट को ओनरशिप के तहत इसको स्ट्रक्चर किया गया है। इसके अंदर जो डिमिनिशिंग मुशारका ये ओनरशिप प्रोडक्ट है, इस्लामिक बैंक और कस्टमर दोनों मिलके एक घर को या एक प्लॉट को या एक अपार्टमेंट को खरीदते हैं, और इस खरीदा जॉइंट खरीदारी की वजह से दोनों की एक मुश्तरका मलकियत आ जाती है। अगर मैं एक घर है 50 लाख रुपए का और उसमें 20 लाख रुपए कस्टमर ने डाला और 30 लाख रुपए बैंक ने डाला, तो कस्टमर की 40% इस घर में ओनरशिप और मलकियत है और बैंक की 60% इस घर में मलकियत या ओनरशिप है, और इसी वजह से उसका रिस्क भी 60% की है। तो जो कंपोनेंट्स हैं, एक तो जॉइंट ओनरशिप का कंपोनेंट है कि जॉइंट ओनरशिप क्रिएट होती है, सेकंड इसमें कस्टमर को बैंक अपना जो ओनरशिप हिस्सा है या जो अपना उसकी ओनरशिप है वो कस्टमर को इस्तेमाल के लिए बैंक इजाजत देता है और एक किराया तय कर लेता है। तीसरा इसका स्टेप ये होता है कि कस्टमर ओवर द टाइम ये प्रॉमिस करता है कि मैं बैंक का हिस्सा
किराए के साथ साथ बैंक की जो ओनरशिप है वो भी खरीदता जाऊंगा, और इसकी वजह से जब वो ओनरशिप खरीदता जाता है तो उसका किराया आगे के महीनों में कम हो जाता है। तो ये तीन इसके कंपोनेंट्स हैं जो हम हाउसिंग फाइनेंस में जब डिमिनिशिंग मुशारका को इस्तेमाल करते हैं तो हम तीन कंपोनेंट हैं कि मुश्तरक तौर पर घर को बैंक और कस्टमर मिलकर खरीदते हैं, बैंक अपना हिस्से को कस्टमर को किराए पर दे देते हैं और कस्टमर किराया भी अदा करता है और आहिस्ता आहिस्ता बैंक की ओनरशिप को परचेज करता रहता है। तो इस तरह से उसका किराया भी कम हो जाता है और उसकी ओनरशिप बढ़ जाती है, और 5 साल या 10 साल जब पूरी मुद्दत हो जाती है इस ट्रांजेक्शन की तो कस्टमर की ओनरशिप 100% हो जाती है इस प्रॉपर्टी में। ये जो होम फाइनेंसिंग की स्कीम है पाकिस्तान में, ये घर के ख़रीदारी के लिए भी अवेलेबल है, प्लॉट की ख़रीदारी के लिए भी अवेलेबल है, अपार्टमेंट की ख़रीदारी के लिए भी अवेलेबल है। आप इसमें अगर आपके पास पहले से ज़मीन मौजूद है तो आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग के लिए यानी ज़मीन के ऊपर घर बनाने के लिए भी फाइनेंसिंग ले सकते हैं। आपका घर बना हुआ है लेकिन आपको उसमें पहली मंजिल बनानी है, रिनोवेट करना है, इन्हेंसमेंट करना है, सोलर पैनल लगवाने हैं, तो इसके लिए भी होम फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप सूद के अंदर आप फंस गए हैं और इंटरेस्ट बेस आपने होम लोन लिया है और अब आप चाहते हैं कि वो सूद से निकल के शरिया के उसूलों के मुताबिक आप एक अपने होम को फाइनेंस करें तो ये होम रिप्लेसमेंट की प्रोडक्ट भी इस्लामिक बैंकों में आपको मौजूद है। इसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है या जो स्टेप्स हैं वो ये होते हैं कि कस्टमर बैंक के पास आता है कि मुझे एक होम फाइनेंसिंग की ट्रांजैक्शन करनी है, मेरा मुझे एक घर खरीदना है। बैंक जो है कस्टमर के साथ मिलकर एक जॉइंट ओनरशिप एक मुशारका एग्रीमेंट साइन करता है, दोनों पार्टीज अपने अपने हिस्से को सेलर को पे कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का घर है और 20 लाख रुपए कस्टमर को के पास हैं, 80 लाख रुपए बैंक ने फाइनेंस किए, तो दोनों 20 लाख रुपए कस्टमर देगा सेलर को, 80 लाख रुपए बैंक देगा सेलर को, और दोनों की एक जॉइंट ओनरशिप क्रिएट हो जाएगी। फिर कस्टमर क्योंकि कस्टमर को पूरा घर इस्तेमाल करना है तो बैंक एक इजारा एग्रीमेंट या रेंट एग्रीमेंट करेगा कस्टमर के साथ और अपने हिस्से को बैंक कस्टमर को किराए पे दे देगा और उसका किराया तय कर लेगा। और आहिस्ता आहिस्ता जब कस्टमर घर को इस्तेमाल करेगा तो उसका किराया देगा महाना बुनियाद पर, और साथ साथ किराए के साथ साथ वो बैंक की ओनरशिप यूनिट भी या ओनरशिप कंपोनेंट भी खरीदता रहता है। तो इसकी इसका नतीजा ये निकलता है कि ओवर द टाइम कस्टमर की ओनरशिप या मलकियत जो है इस घर के अंदर, इस असासे के अंदर बढ़ती जाती है और बैंक की ओनरशिप कम होती जाती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कस्टमर क्योंकि उसका जो किराया है वो आगे जाके कम होना शुरू हो जाता है, यानी महाना बुनियाद पर थोड़ा थोड़ा किराया उसका कम हो जाता है। शरिया के प्रिंसिपल्स क्या इसमें इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले जो शरिया का प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व है कि क्या ये कोई चीज़ जॉइंटली परचेज करना जायज़ है, यानी बैंक एक एंटिटी है और एक कस्टमर, ये क्या दोनों मिलके कोई घर या प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जहाँ इसमें उनकी अनडिवाइडेड ओनरशिप हो? तो बिल्कुल ये बिल्कुल जायज़ है, दो भाई भी मिलके घर खरीद सकते हैं, बहन भाई भी मिलके खरीद सकते हैं, इसी तरह बैंक और कस्टमर भी मिलके एक प्रॉपर्टी को या घर को खरीद सकता है, और ये तमाम इस्लामिक जो ज्यूरिसप्रूडेंस के फ़िका के जो कवायद हैं उनमें बिल्कुल इसकी इजाज़त है। फिर इसके अलावा इस बात की भी इजाज़त दी गई है उलमा ने और इस्तेमाल करना चाहता है और दूसरे पार्टनर से उसका वो हिस्सा जो जॉइंट ओनरशिप हिस्सा है वो किराए पे ले सकता है, तो इसकी भी इजाज़त है। हाँ, किसी तीसरे आदमी को इजाज़त को किराए पे देने के बारे में ये मुख्तलिफ राय है, उसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन आप अपने पार्टनर को या अपने जो बैंक अपने कस्टमर को ये ओनरशिप हिस्सा किराए पे दे सकता है। इसके साथ साथ ये भी अलाव है कि क्लाइंट ये वादा करे कि मैं जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मैं बैंक का हिस्सा खरीदता जाऊँगा, तो ये इसकी भी इजाज़त है। हाँ, अब एक एहतियात क्या होती है कि जो जॉइंट परचेज का एग्रीमेंट है और जो किराएदारी का एग्रीमेंट है और जो यूनिट की खरीदो फरोख्त है ये एक साथ नहीं हो सकती, ये इंडिपेंडेंटली आपको स्टेप वाइज करनी होती है। सबसे पहले घर खरीदना है, उसके बाद बैंक ने उसका रिस्क लेके उसको अपने किराए देना है और हर आने वाले महीने में आहिस्ता आहिस्ता बैंक ने अपनी ओनरशिप कस्टमर को एक सेल एग्रीमेंट के थ्रू बेचनी है। तो ये अगर आप इस तरतीब के साथ इस काम को करेंगे तो ये अरेंजमेंट ना सिर्फ शरिया कंप्लाइंट है और उलमा से इसकी मंजूरी भी है और ये सूद से मुकम्मल तौर पर एक पाक तरीके से एक जायज तरीके से आप होम फाइनेंसिंग की सहूलत हासिल कर सकते हैं। कस्टमर की जर्नी क्या होती है? नॉर्मली कस्टमर बैंक के पास आता है, उसका एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है, उसके साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं शनाख्ती कार्ड है, सैलरी है, इनकम प्रूफ है वो देता है। इस्लामिक बैंक कस्टमर को एवेल्यूएट करता है कि भाई आपकी तनख्वाह कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी बिजनेस इनकम कितनी है, और फिर वो उसको एक उसके अपनी स्कीम या पैरामीटर के हिसाब से उसको एक सर्टेन लिमिट अप्रूव करता है।
फिर कस्टमर की जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट की जाती है उसको चेक किया जाता है, उसकी लीगल डॉक्यूमेंट कागजात को चेक किया जाता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट वैल्यू लगाई जाती है, उसके ऊपर लॉयर से ओपिनियन लिया जाता है, उसकी सर्च रिपोर्ट निकाली जाती है, यानी कि एक प्रॉपर्टी भी सही हो, उसकी वैल्यू भी सही हो, ताकि जब हम एक जॉइंटली एक चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसमें कोई ख़राबी ना हो और इससे नुकसान हो सकता है बैंक को भी और कस्टमर को भी। फिर कस्टमर का जब केस अप्रूव हो जाता है तो कस्टमर को बैंक ऑफर लेटर, हमने इतने 50 लाख रुपए की लिमिट अप्रूव की है, आपका इतना किराया होगा, किराए की अमाउंट अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, और 1 साल या 2 साल या ये किराया 5 साल के लिए फिक्स है या सालाना चेंज होगा या 10 साल के लिए फिक्स है, ये तमाम तफसील और टर्म्स जो हैं उस ऑफर लेटर में कस्टमर को बताई जाती हैं। फिर जब कस्टमर को इसको मंजूर कर लेता है तो एक लीगल एग्रीमेंट की जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, कस्टमर और बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को साइन करते हैं और फिर बैंक और कस्टमर जाके इस घर को परचेज कर लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मुख्तसर सी एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे बनाई है कि अज्यूम करें घर है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए और कस्टमर इसमें 4 लाख रुपए कस्टमर के पास मौजूद हैं और 6 लाख रुपए बैंक से आपने रिक्वेस्ट किए कि भाई मुझे 6 लाख रुपए चाहिए। तो अब होगा कि बैंक और कस्टमर मिलकर 10 लाख रुपये, बैंक ने कस्टमर का केस अप्रूव किया और बैंक ने 6 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनाया सेलर के नाम, कस्टमर ने भी अपने 4 लाख रुपए का पे ऑर्डर बनाया, दोनों ने जाके जो कोर्ट में या जहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वहाँ जाके ये ट्रांजेक्शन करेंगे और सेलर को अपना अपना हिस्सा सेलर के हवाले कर देंगे और घर में एक जॉइंट ओनरशिप क्रिएट हो जाएगी। फिर दूसरा काम ये होता है कि अगर करें 5 साल की फाइनेंसिंग है तो बैंक अपने हिस्से को 5 साल में जितने मंथ्स हैं यानी महीने 60 महीने होते हैं तो 60 यूनिट्स में डिवाइड कर देता है और ये तय पाया जाता है कि बैंक के 1 यूनिट की कीमत 6 लाख को आप डिवाइड करें 60 से तो 10,000 रुपये बनती है, यानी 10,000 रुपये का एक यूनिट है बैंक का और बैंक के टोटल 60 यूनिट इस घर में मौजूद है। और बैंक उस वक्त जो प्रॉफिट रेट चल रहा होता है 5% है या 10% है या 8.5% इस मैंने एग्जाम्पल में लिया है, तो उसके हिसाब से एक यूनिट का मंथली किराया निकालता है। अब ये 71 रुपये तकरीबन किराया बनता है। तो अब क्या हुआ, पहले महीने कस्टमर ने बैंक के 60 यूनिट इस्तेमाल की और 4,250 रुपये यानी 71 × 70.83 × 60 4,250 रुपये किराया अदा किया। ये किराया है बैंक के घर को इस्तेमाल करने का। जैसे आप एक मालिक मकान हो और आप किसी को घर किराए पे दें या दुकान किराए पे दें तो आप उसके इस्तेमाल का उससे किराया लेने का हक रखते हैं। दूसरी बात, कस्टमर ये करेगा कि उसको अपनी अगर ओनरशिप बढ़ानी है तो वो 10,000 रुपये का और पेमेंट करेगा। टोटल उसकी जो महाना जो अमाउंट उसने बैंक को पे की वो 14,250 रुपये की, लेकिन उसमें 10,000 रुपये यूनिट के लिए की और 4,250 रुपये किराएदारी के या किराए के अमाउंट में लिए। इसी तरह जब अगला महीना आएगा तो अब बैंक की ओनरशिप कम होकर 59 यूनिट या 59 यूनिट रह गई है, तो अब जो है वो किराया थोड़ा सा कम हो गया और फिर इसी तरह वो यूनिट खरीदेगा। इस तरह से आप करते जाएंगे तो जब 60वां महीना आएगा 5 साल के बाद तो कस्टमर सिर्फ 71 रुपये किराया देगा क्योंकि वो 1 यूनिट बैंक का रह गया होगा और 10,000 रुपये की वो यूनिट परचेज करके टोटल अपने घर की मलकियत अपने नाम कर लेगा। तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप शरिया कंप्लाइंट तरीके से, बहुत सादा एक प्रोसेस है, आप अपने घर के मालिक बन सकते हैं। अब इंशाल्लाह आगे हमारे जो दूसरे साथी हैं पैनलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि लो कॉस्ट के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है हम इस्लामिक बैंक ज़्यादातर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे दुनिया भर में इस्लामिक बैंक इस डिमिनिशिंग मुशारका या रेंटल जॉइंट को ओनरशिप एंड देन रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू होम फाइनेंसिंग की सहूलत शरिया कंप्लाइंट तरीके से अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा, इंशाल्लाह कोई सवाल है तो हम आप उसको आपका कोई सवाल होगा तो उसका जवाब देंगे और मैं अब जहानजेब साहब की तरफ वापस चलता हूँ कि जहानजेब साहब ओवर टू यू प्लीज। अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने कॉम्प्रिहेंसिवली बताई तमाम चीजें। एक जाज़िब आपकी आवाज काफी रुक गया। जाता है इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से बहुत ही ओके जी, एक बुनियादी सवाल हमारा यह आता है कि इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से कि एंड रिजल्ट तो वही होता है, या कान को यहाँ से पकड़े कान को वहां से पकड़े, बात तो वही है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप जो हमारे आम जनरल पब्लिक है उसको थोड़ा गाइड करें कि किस तरह से जो हमारी ये इस्लामिक बैंकिंग के फर्क है, थोड़ा सा अगर आप इस पे रोशनी डाल देंगे तो हमारे लिए काफी सहूलत हो जाएगी, बिकॉज मुझे ये काफी सवाल इस वक्त ऑडियंस की तरफ से आ रहे हैं। जानजेब आप मुझसे मेरी तरफ पूछ रहे हैं, जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, इसमें देखें बहुत अहम चीज़ है कि जब हम कन्वेंशनल होम फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट पे जाते हैं तो
बैंक क्या करता है कि आपको कर्जा देता है, यानी आपको 50 लाख रुपए चाहिए या 20 लाख रुपए चाहिए, तो मैं आपको एक कन्वेंशन अगर होता तो मैं आपको कर्जा देता कि ये भाई 50 लाख रुपए रखो, इससे जाके आप होम परचेज करें या होम फाइनेंस करें और मुझे इस पैसे के ऊपर एक इजाफी अमाउंट अदा करें जो कि रिबा या सूद की तारीफ में आ जाती है। जबकि इस्लामिक बैंक क्या कर रहा है, वो आपको पैसे नहीं दे रहा है बल्कि वो कह रहा है कि भाई क्योंकि इस्लाम में एसेट यानी अगर कोई रियल एसेट है जैसे कोई घर है, अगर आप उसके मालिक हैं, उसका रिस्क आपने लिया है, उसकी ओनरशिप आपके पास है, तो आप उसका किराया ले सकते हैं। देखें दो बातें समझने की जरूरत है, एक तो क्या घर खरीदना जायज़ नीड है या नाजायज़ नीड है। बिल्कुल हमने कहा है जायज़ नीड है, तो जायज़ नीड है, लेकिन अगर उसको नाजायज़ तरीके से हासिल करेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा मामला। लेकिन अगर घर खरीदने के तरीके की जो फाइनेंसिंग का तरीका, अगर आप उसको जायज़ तरीके से इख्तियार करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि इस्लामिक बैंक पैसा नहीं बल्कि घर का मालिक बन रहा है और घर की ओनरशिप भी उसकी है, रिस्क भी उसका है, अगर खुदा ना खाता घर तबाह हो गया तो उसमें दोनों का नुकसान है क्योंकि बैंक का भी। ठीक है, अब इस एसेट का किराया क्योंकि शरण जायज है तो किराएदारी के उसूलों को सामने रखते हुए बैंक अपने हिस्से को किराए पे देता है। और साथ साथ अगर आप सिर्फ किराया देते रहे तो 20 साल आप किराया देते रहे, कभी भी बैंक आप घर के मालिक नहीं बनेंगे। तो अगर कस्टमर चलता रहेगा तो जैसे हम किराएदारों की हम जैसे किराए पे रहते हैं किसी घर में तो किराए का मामला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे कस्टमर की ख्वाहिश ये है कि उसकी मलकियत भी हासिल हो। तो उसके लिए तरीकाकार ये कि कस्टमर से हम ये कहते हैं कि आप हर महीने अपनी ओनरशिप में अपनी यानी ओनरशिप में इजाफा करने के लिए बैंक का हिस्सा भी परचेज करते रहें और उसका फायदा होता है कि फिर कस्टमर ओवर द टाइम ओनर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी सवाल आया कि रेंट की कैलकुलेशन के वाले से मैं देख रहा था कि देखें मुख्तलिफ तरीके हैं किराए को तय करने के। एक तरीका ये है कि आप जो उस इलाके का रेंटल सर्वे करें या पाकिस्तान में अगर कोई प्रॉपर्टी रेंटल इंडेक्स हो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा शरण ये जायज़ है कि कस्टमर और बैंक आपस में निगोशिएट करके एक अमाउंट एक प्रॉफिट रेट एग्री कर लें कि भाई हम 6% या 7% या 8% के हिसाब से इसकी जो पूरी कीमत है घर की उसके 8% इसका टोटल रेंटल वैल्यू है और जितना बैंक का हिस्सा है उस अगर 50% बैंक का हिस्सा है तो उस टोटल रेंटल वैल्यू का 50% बैंक का रेंट होगा और कस्टमर तो खुद ही इस्तेमाल कर रहा है तो अपने आप को तो रेंट पे नहीं करेगा। अच्छा, इसमें फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं या इस प्रॉफिट रेट को इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ एक बेनिफिट भी कस्टमर को मिलता है कि अगर कस्टमर 1 साल बाद या 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसकी जो बैंक कैपिटल एप्रिसिएशन को भी लेने का हक रखता है। लेकिन नॉर्मली सारे इस्लामिक बैंक उस कैपिटल एप्रिसिएशन को कस्टमर को छोड़ देते हैं क्योंकि आपको पता है कि आज अगर आप एक 10 लाख का घर लें तो 3-4 साल बाद वो 20 लाख का हो जाता है तो अब बैंक भी क्योंकि मालिक है तो बैंक का शेयर भी दुगना हो गया। लेकिन आम तौर पे और ये इसी को हमने इस तरह डिजाइन किया इस स्कीम को इस्लामिक बैंकों ने के वो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है उसका मैक्सिमम फायदा कस्टमर को मिलता है। इसके अलावा दूसरा मॉडल भी है जो हम जो कस्टमर लोग कहते हैं कि आप मार्केट का थोड़ा सा मैं आपको इस पे करूंगा बिकॉज़ हम टाइम तो हमारा जो हो रहा है मैं रिक्वेस्ट करूं हाँ मैं नेक्स्ट स्पीकर पे जाते हैं फिर हम करेंगे कि जो हमारा एंड में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है उसमें जो हम सवाल आते हैं उनको पिक कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने बड़ा अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चर भी और क्या डिफरेंस है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नवीद मलिक साहब से जो हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग है दुबई इस्लामिक बैंक के कि वो जो ये इस स्कीम के फीचर्स हैं वो ओवर टू यू नवीद साहब। जी थैंक यू जाजेब अहमद साहब ने बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आई थिंक जो उसका इस्लामिक स्ट्रक्चर है लो कॉस्ट हाउसिंग का वो एक्सप्लेन किया है। मेरे ख्याल से पहले बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द डिस्कशन ऑफ द चेंजेस जो स्टेट बैंक ने की हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में IBSE के इस प्लेटफॉर्म को आई वुड लाइक टू थैंक यू गाइस बिकॉज आई थिंक ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है to develop that understanding about low cost housing aur iski success ka daromadar bhi is pe bahut zyada hai kyunki logon ko mujhe lagta hai abhi bhi jo understanding hai us level pe nahi maujood jiski wajah se jo iski success hai wo relatively on a slower side hai but jis tarah koi bhi nayi product banking ke andar launch ki jati hai wo evolve karti hai time ke sath ये नई प्रोडक्ट है
नई सेगमेंट है, इसमें भी एक एवोल्यूशन आ रहा है। और कुछ चैलेंजेस थे शुरू के दिनों के अंदर, जो प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद सबने रियलाइज किया कि भाई वाकई में, क्योंकि इससे पहले चूंकि ये लॉन्च ही नहीं हुआ था, बहुत सारे बैंक्स के लिए ये एक तरह की एक अनचार्टेड सी एक टेरिटरी थी, एक नई सेगमेंट थी जहां वो जा रहे थे। और वो रियलाइजेशन जैसे जैसे हुई, स्टेट बैंक ने काफी प्रोएक्टिवली इसके अंदर काम किया और वो उन रियलाइजेशंस को पॉलिसी के अंदर जो उस तरह की अमेंडमेंट थी वो ले गया है। बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द डिटेल के इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्या की चेंजेस लो कॉस्ट हाउसिंग के हवाले से आई हैं, आई थिंक मैं थोड़ी सी बात कर ली ऑन द की चैलेंजेस जो के लो कॉस्ट हाउसिंग में आई हैं ओवर द पीरियड। सबसे बड़ा चैलेंज जो तमाम बैंक्स को ही फेस हुआ है वो कस्टमर्स तो बहुत सारे मिल गए, लेकिन जो घर खरीदने के लिए जो एक कहते हैं ना एक लेजिटिमेट प्रॉपर्टी, उसकी सप्लाई उस तरीके से मौजूद नहीं थी। और जनरली इसकी डिमांड अर्बन सेंटर्स के अंदर जो बड़े शहर हैं उसमें ज़्यादा है, जो गांव देहात है वहाँ पे है, बट रिलेटिवली ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन भी अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी की देखें तो अर्बन सेंटर्स में बहुत ज़्यादा है। कराची के अंदर अगर आप लगा लें तो वो जो इनिशियल टाइम के ऊपर जो एक थ्रेशहोल्ड्स रखे हुए थे फाइनेंसिंग के, वो रियलाइज किया गया कि वो थ्रेशहोल्ड्स कम थे और उसमें वो प्रॉपर्टी मिल नहीं पाती थी इस तरह की मार्केट के अंदर, हैंस यहाँ से कोई इतना ज्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन आया भी नहीं। फिर जो घर की बात जिस तरह अहमद अभी कर रहे थे, ये बड़ी एक इमोशनल सी एक डिसीजन होती है। जो बेसिक इसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये था कि जी आप अगर आज किराए के घर पे रह रहे हैं और अगर उतना ही किराया या जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी बन जाए और आप उस घर के मालिक बन जाएं तो ये तो एक विन विन सिचुएशन बन जाएगी सबके लिए। अब वो मॉडल इट्स अ ग्रेट मॉडल फॉर द कस्टमर फॉर द बैंक, क्योंकि इसके अंदर जो रेट स्टेट बैंक ने अलाउ किया हुआ है वो एक सब्सिडाइज रेट है। जो इस वक्त आप अगर रेंट पे रहते हैं या लेने जाते हैं कोई घर, वो कोई 0.5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर घर जनरली दस्तयाब होते हैं, जिसको अगर आप एनुअलाइज बेसिस पे कैलकुलेट करें तो वो कुछ 6% का की कॉस्ट आती है किसी भी इंसान के लिए। अब अगर जो प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट स्टेट बैंक ने इसमें अलाउ किए हैं वो रेंज कर रहे होते हैं बिटवीन 5% और 9% के बीच में, तो ये एग्जैक्टली उसी के अंदर फिट इन हो जाता है उस कैलकुलेशन के अंदर। हाउएवर जो चैलेंज निकल के आ रहा था वो ये था कि इनिशियल जो प्रोडक्ट आई थी उसमें जो डायमेंशंस दी गई थी घरों की, कोई 3 tiers दिए गए थे और वो स्टार्ट करते थे 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट और 850 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप ले सकते हैं, और फिर अगर आप tier 3 के अंदर चले जाएं तो वो 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट और 1100 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे। तो जो 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था वो एक जनरल फीडबैक आया कि ये छोटा है, जिसको स्टेट बैंक ने बढ़ा दिया और अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें 2000 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स भी लो कॉस्ट हाउसिंग की एम्बिट के अंदर फाइनेंस किए जा सकते हैं। जो सेकंड पीस जिसका एक समझ लें चैलेंज था वो ये था कि जी हाउसिंग यूनिट जो उसकी प्राइस है वो मैक्सिमम 6 million से ज़्यादा की नहीं होगी। अब ऑब्वियसली मैंने जिस तरह स्टार्ट में बात की थी कि जो अर्बन सेंटर्स हैं खासतौर से कराची, लाहौर, फैसलाबाद,
इस्लामाबाद और पिंडी, वहां पे ये 6 मिलियन का थ्रेशहोल्ड जो है वो एक चैलेंज बन गया था, जिसको एड्रेस करने के लिए स्टेट बैंक ने वेरी राइटली उस कैप को रिमूव कर दिया है। इसमें एक इंट्रोडक्शन इनफैक्ट की है टीयर जीरो की कैटेगरी की, जो बेसिकली माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के लिए होगी, और उसकी जो फाइनेंसिंग अमाउंट है वो 2 मिलियन तक की है। 2 मिलियन से फिर ऊपर जब हम 2.7 मिलियन पे आते हैं तो वो टीयर वन कैटेगरी होती है, टीयर टू के अंदर 6 मिलियन और टीयर थ्री की 10 मिलियन कैटेगरी है। यहाँ मैं एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि कल स्टेट बैंक ने एक और प्लेटफॉर्म के ऊपर बैंक्स को इकट्ठा किया था, आप सब खेल में होगा, रोशन डिजिटल अकाउंट इनिशिएटिव के ऊपर। वहां पर भी जो मॉर्गेज साइड है उसके ऊपर एक काफी एक फोकस किस्म की डिस्कशन हुई थी, जिसमें मिजान बैंक से इरफान साहब जो है एक कमेटी को हेड कर रहे हैं, एंड ही इज बीन गिवन अ टास्क टू डेवलप अ प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेगमेंट। अब ये नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेगमेंट भी इसमें क्वालिफाई करेगी, ये प्रोडक्ट भी इन द पाइपलाइन है इंशाल्लाह ताला इन द कमिंग डेज। और जो हमारे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, पाकिस्तानीज हैं जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, उन सब की ख्वाहिश एट द एंड ऑफ द डे यही होती है कि जी एक्सक्यूज मी अपना घर बना लें, और उस घर बनाने के लिए सबके पास लमसम के अंदर फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती। तो एक पहली दफा ऐसा होने जा रहा है कि एक कस्टमाइज्ड मॉर्गेज प्रोडक्ट ऑफरिंग है जो कि डेवलप की जा रही है फॉर द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सेगमेंट्स एज वेल, और मुझे लगता है इससे काफी ओवरवेलमिंग किस्म का इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जो बात की थी मैंने एवोल्यूशन की, वो इसी तरीके से वो इवॉल्व करेगा। सप्लाई साइड को एड्रेस करने के लिए एक और चीज जो जिस पे काम हो रहा है, एंड आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, वो ये है कि अभी तक जो फाइनेंसिंग होती थी वो ब्रांड न्यू या फर्स्ट टाइम लीज की प्रॉपर्टी को अलाउ किया गया था, और वो हमें रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान में इस तरह की नई प्रॉपर्टीज बहुत लिमिटेड है नंबर के अंदर। तो स्टेट बैंक ने इस वक्त अलाउ कर दिया है कि एज ऑफ हाउसिंग यूनिट जो है वो इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अ ब्रांड न्यू और अ फर्स्ट टाइम लीज, और ये March 31, 2023 तक की एक रिलैक्सेशन दे दी है पुराने घरों को भी इस लो कॉस्ट हाउसिंग की फाइनेंसिंग के अंदर वो अलाउ होंगे। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इसकी वजह से इस प्रोडक्ट के अंदर जो एक मोमेंटम है वो मोस्ट डेफिनेटली काफी हमें उसमें तेजी नजर आएगी इंशाल्लाह ताला आगे के दिनों के अंदर। एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काफी बैंक्स काम कर रहे हैं, और वो होती है ऑफ प्लान फाइनेंसिंग, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इस वक्त इन प्रोसेस हैं, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है या बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वहां पर भी इस वक्त बहुत काम हो रहा है। स्टेट बैंक के लेवल पे भी हो रहा है काम, और इनफैक्ट बहुत से बैंक्स इस्लामिक बैंक्स भी हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। दुबई इस्लामिक बैंक के बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चूंकि हम UAE की 100% owned subsidiary है, so there's a lot of experience that we get from DIB UAE as well. और दुबई की मार्केट के अंदर हाउसिंग काफी मेच्योर लेवल के ऊपर है, और जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं ऑफ प्लान वगैरह की, वो वहाँ बहुत सालों से चल रही हैं, और उसके अंदर बहुत सा एवोल्यूशन हुआ है। तो वो लर्निंग्स जो हैं वो हम भी कोशिश करते हैं कि उन लर्निंग से सीखें और यहाँ पे उनको कस्टमाइज करें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, और फिर उसे उसी तरीके से लॉन्च करें। आप देखेंगे आइंदा दिनों के अंदर बहुत सारी पार्टनरिंग आपको नजर आएगी डेवलपर्स के साथ, बिल्डर्स के साथ एक
वरना एक तरह का एक नो गो सा एरिया था, बैंक्स बहुत कतराते थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में फाइनेंसिंग करने से, लेकिन स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फोकस की वजह से काफी इसके अंदर तेजी नजर आई है, कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस सेक्टर के अंदर। और जो बट ऑब्वियसली इसके जो जो नंबर्स के अंदर रिजल्ट्स हैं वो आपको आइंदा दिनों में ज्यादा तेजी से नजर आएंगे, बिकॉज इट डज टेक टाइम, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट इनिशिएटिव और एक कॉन्फिडेंस भी आने में थोड़ा टाइम लगता है। जिस जैसे जैसे ये पोर्टफोलियो बैंक्स बनाएंगे वो पोर्टफोलियो का बिहेवियर अच्छा होगा, मुझे लगता है बैंक्स का अपना भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें, और जब बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि इसमें और ज्यादा तेजी जो है आइंदा दिनों के अंदर इंशाल्लाह ताला हमें नजर आएगी। मुझे बताया गया है कि ये 10 मिनट तक की बात करनी है, तो आई विल जस्ट ट्राई टू रैप अप माय डिस्कशन जहाजेब वो सामने आ गए। थैंक यू जहाजेब, आई अंडरस्टैंड दैट आई विल जस्ट कंक्लूड माय यू आर मोस्ट वेलकम टू कंटिन्यू द डिस्कशन। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट था कि जो कॉमन सवाल आ रहे हैं इस वक्त मार्केट से, अगर आप थोड़ी सी रोशनी उस पर डाल दें ताकि जो हमारी ऑडियंस है जिसमें कस्टमर्स बहुत सारे वो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे तो बड़ा अच्छा एक कनेक्शन बन जाएगा हमारी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ। तो अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है दैट यू वांट टू रेज सर, इसमें जो मेन क्वेश्चन आ रहा था लोगों को कि अगर एक आदमी दुबई में काम कर रहा है या ब्लू कॉलर वर्कर है फॉर दैट मैटर, वो अप्लाई करना चाह रहा है तो उसका क्या प्रोसेस होगा? एक तो आरडीए वाले सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं तो उसमें सिंस डीआईबी एनआरपी पे काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो थोड़ा सा जरा आप इस पे अगर गाइड करें तो बड़ा अच्छा होगा, बिकॉज हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट यूएई बेस्ड है तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं इस चीज पे। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के लिए मॉर्गेज की प्रोडक्ट ऑफरिंग, मैं दुबई इस्लामिक बैंक के पर्सपेक्टिव से तो आपको बता सकता हूँ कि वी ऑलरेडी हैव नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी प्रोडक्ट ऑफरिंग स्पेशली फॉर द एनआरपीज हु आर रेसिडिंग इन द गल्फ कंट्रीज और यूएई के अंदर, और हम आइंदा दिनों के अंदर बल्कि इसको इंशाल्लाह ताला ग्लोबली भी खोल लेंगे। तो वो तो हमारा एक एग्जिस्टिंग रूट है, that is available, that product is available and we're already doing it. और जो दूसरा रास्ता है वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, आप खोलिए रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर बन जाइए, जो कि एक पूरा एक डिजिटल एक्सपीरियंस है आप, और उसके बाद फिर एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट ऑफरिंग जो कि आरडीए के अकाउंट होल्डर्स के लिए होगी। और मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टेट बैंक इस पे काम कर रहा है, और फिर वो इंशाल्लाह ताला वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन होगा उनके लिए। आज एक वनीला प्रोडक्ट ऑफरिंग है लेकिन आइंदा दिनों के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसके लिए बन जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच नवीद साहब फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम एंड इन्फॉर्मिंग द कस्टमर्स अबाउट कि हमारे क्या क्या इसके फीचर्स हैं और किस तरह से हम अपने एनआरपीस पे थ्रू नॉर्मल चैनल्स और थ्रू आरडीएस को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा अरशद मजीद साहब से जो कि ग्रुप हेड है कंज्यूमर फाइनेंस और एसीबीबी मीजान बैंक में, कि वो हमारे जो सामईन है उनको बताएं कि क्या तरीकेकार है एप्लीकेशन का, प्रोसेस फ्लो क्या है, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या टिप्स हैं प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने की जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, बिकॉज माशाल्लाह मीजान बैंक एक बड़ा अच्छा काम कर रहा है आरडीए में और इसमें, तो आप थोड़ा सा सर अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। ओवर टू अरशद साहब। जी थैंक यू वेरी मच जहाजेब, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये दिस इज द मोस्ट हॉट टॉपिक दीस डेज द हाउसिंग फाइनेंस, और मेरे ख्याल में इस वक्त तमाम बैंक अपनी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये एक रिक्वायरमेंट क्रिएट की गई, बताया गया है लोगों को, अवेयरनेस दी गई है मेरा पाकिस्तान मेरे घर के अनवान से, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन दी जाए, इसकी ज़रूरत के बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कि किस तरह से वो बैंक से आसान तरीन प्रोसेस से गुजरते हुए इस लोन को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से
मेरे दोस्त नवीद साहब ने और अहमद अली सिद्दीकी साहब ने इस्लामिक बैंकिंग और डीआईबी की पार्टिसिपेशन के मुताबिक कुछ बताया, तो मैं अपने ऑडियंस को इसमें थोड़ा सा एक और प्रीएम्बल देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में हाउसिंग फाइनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। इनफैक्ट आज तक जो 2020 दिसंबर तक का जो स्टेट बैंक का डाटा है, पूरे पाकिस्तान के बैंक्स मिला के 105 बिलियन की फाइनेंसिंग हुई हुई है जो कि बैंकों ने करी हुई है। ये जो अमाउंट है ये इवन हमारे जीडीपी का 1% भी नहीं है। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में देखते हैं बांग्लादेश को और इंडिया को, तो वहाँ पे उनका रेशियो बांग्लादेश का 3% और इंडिया का 10% है जीडीपी का। तो और इससे अंदाज़ा होगा आपको कि हमारे यहाँ हाउसिंग की फ्लरिश करने की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है। पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से जो यूनिट्स अवेलेबल हैं हर साल उसमें 7 लाख यूनिट्स मजीद ऐड हो जाते हैं जो कि आने चाहिए। इसका मतलब है हर साल हम 7 लाख यूनिट से डेफिसिट चल रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस के अंदर। अच्छा, ये जो स्कीम लॉन्च की गई, पहले उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था, फिर उसके बाद अब जो स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक के तआवुन से, उसमें तो अब सिचुएशन बहुत हद तक रिलैक्स कर दी गई है। अमाउंट्स की रेंज बढ़ा दी गई है, जो कंडीशंस थी कंस्ट्रक्शन की वो हटा दी गई हैं, नए मकान वाली कंडीशन हटा दी गई है, प्लस अपर लिमिट हटा दी गई है कि जी मकान की कॉस्ट की लिमिट, अगर इवन अगर कोई 2 करोड़ का भी मकान लेना चाह रहा है तो वो ले सकता है, और ये हाउसिंग फाइनेंस टीयर 2 और टीयर 3 की फैसिलिटी वो अवेल कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक सवाल है इस बात का कि जी एप्लीकेशन किस तरह से दी जाएगी, प्लस इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और क्या टिप्स हैं, उस पर मैं अब स्पेसिफिकली आपसे बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान में माशाल्लाह से हर बैंक की बेतहाशा ब्रांचेज हैंगी, ओवर 7000 ब्रांचेज है पाकिस्तान भर के अंदर, 11000 ब्रांचेज हैं। मिज़ान बैंक की अपनी क्लोज टू 900 ब्रांचेज हैं जो कि तकरीबन 250 शहरों के अंदर हैं। ऑल ब्रांचेज, तमाम बैंकों की ब्रांचेज जो हैं वो इक्विप्ड हैं इस चीज़ से कि जी क्या इंफॉर्मेशन कस्टमर को देनी है, किस तरह से कस्टमर को कन्वेंस करना है या उनको तैयार करना है इस बात पे कि जी वो किस तरह से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज की वो 20 इयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट 65 इयर्स की है, मिनिमम इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 100% क्लब कर सकते हैं को एप्लीकेंट्स के साथ अगर इनकी इनकम लेनी है तो। सेकंडली, एप्लीकेशन फॉर्म्स ब्रांचों में अवेलेबल हैं, दे आर वेरी सिंपल, वो अंग्रेज़ी में भी अवेलेबल हैं, उर्दू में भी अवेलेबल हैं, कि आप अपनी सहूलत के मुताबिक उनको फिल कीजिए, कस्टमर्स उसको भरें, आगे दें। डॉक्यूमेंटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। All the areas are very well equipped के जी आपने अपनी documentation किस तरह से complete करनी है, किस तरह से title documents हैं या title documents से related जो attached document होते हैं, नक्शा वगैरह, वो आपने provide करना है। Application के साथ शुरू के अंदर तो आपने जो customer apply करता है तो उसको एक application form, शनाख्ती card और अपनी income proof, simple income proof वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करता है बैंक और बैंक उनको बता देता है कि हम आपको इतना अमाउंट का लोन दे सकते हैं। जब कस्टमर के हाथ में एक प्रॉपर वैलिड ऑफर लेटर आ जाता है तो वो या तो पहले से प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर चुके होते हैं या उसके बाद वो सिलेक्ट करने निकलते हैं। जिस तरह से नवेद साहब ने बताया कि यस, बैंक्स को भी और कस्टमर्स को भी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि जी जो स्टॉक है हाउस का वो अभी इतना अवेलेबल नहीं है कि वो इस रफ्तार से हम डिसबर्समेंट दिखा सकें। इवन इन मिज़ान बैंक अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ सिटिंग ऑन द अप्रूवल ऑफ ओवर 2.5 बिलियन रुपी की हम अप्रूवल दे चुके हैं, बट द डिसबर्समेंट रेट इज़ क्वाइट लो। उसकी वजह या तो ये है कि जी कस्टमर की विश लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो अकॉर्डिंग टू दी प्लान उसको प्रॉपर नहीं देख पाते अपनी प्रॉपर्टी को, बट
जिस प्रॉपर्टीज के लिए जो कि ये स्कीम निकाली गई है, इसके लिए इसको देखने का बेहतर तरीका ये है कि आप मेन स्ट्रीम एरियाज में शायद प्रॉपर्टीज इस तरह की अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि मेन स्ट्रीम से हट के रहता है, वहाँ पे इन प्रॉपर्टीज की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है। स्पेसिफिकली इंटीरियर सिंध में, इंटीरियर पंजाब में, केपीके में, कोट बलूचिस्तान की तरफ, इट इज़ वेरी इजी नाउ आफ्टर हैव दीज चेंजेस जो कि स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, अब प्रॉपर्टी का वसूल इतना मुश्किल नहीं रहा। आई एम कॉन्फिडेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंशाल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर वी आर होपफुल कि जी लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से मकान को सिलेक्ट करेंगे और उसके लिए वो बैंकों के ज़रिए इस आसान किस्तों वाले, कम किस्तों वाले लोन्स की सहूलत को हासिल कर सकेंगे। इस सिलसिले में अगर किसी के पास कोई सवाल है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू नो एग्जैक्टली कि अगर कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। आई एम अवेलेबल टू आंसर। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, कुछ सवाल जो हमारे पास ऑडियंस से आ रहे हैं, ऑल्दो इनके बड़े ऑब्वियस से जवाब आते हैं, लेकिन बहरहाल हमारे कस्टमर्स हैं और उनके लिए ज़रूरी है जानना। तो एक इसकी कंडीशन है कि जो भी कस्टमर घर ले रहा है वो फर्स्ट टाइम होम ओनर हो, तो बैंक किस तरह से असेस करते हैं कि जी वाकई जो आदमी है उसका पहला घर है और उसकी इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी नहीं है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो कि क्लियर होना ज़रूरी है। जिस वक्त ये पॉइंट लगाया गया था और उस वक्त काफ़ी डिबेट हुई थी स्टेट बैंक के साथ भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी, कि देखिए पाकिस्तान में कुछ तरीक़ेकार हैं चीज़ों को चेक करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर कोई शख्स अकाउंट खोलने आता है तो वो अपना शनाख्ती कार्ड देता है, और वो शनाख्ती कार्ड को अगर हम नादरा से चेक कर लेते हैं तो वो वेरीफाई हो जाता है, अगर वो फेक होता है तो वो फौरन पता चल जाता है। तो देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम अवेलेबल विद अस टू गेज दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट थ्रू अ गवर्नमेंट एजेंसी। बट एज सच ये जो पर्टिकुलर सवाल है कि अगर कोई शख्स पहले से अपनी कोई प्रॉपर्टी रखता है और वो आके कहता है बैंकों की जी मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो कोई ऐसा मीडियम नहीं है पाकिस्तान भर के अंदर जो कि इस बात का जवाब दे सके या इस बात को वेरीफाई कर सके। तो हमने बैंकों ने, यानी कि बैंकों की एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन हुई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने उससे कहा कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं इस सिलसिले के अंदर कि उस कस्टमर से एक अंडरटेकिंग ले लें जिसमें वो ये लिख के दे दे कि जी ये मेरा पहला घर है, दैट्स इट। इसके अलावा एज सच देर इज नो मीडियम अवेलेबल इन पाकिस्तान टू वेरीफाई दिस स्टेटमेंट के वो शख्स सही खोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सो फॉर अस, फॉर द बैंक्स, द ओनली रेमेडी इज टू कलेक्ट अ सिंपल अंडरटेकिंग फ्रॉम द एप्लीकेंट कि जी ये मेरा पहला घर है जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर आंसर। एक और इससे जो मुंसलिक सवाल आता है वो ये आता है कि देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर वो तनख्वाहदार भी हैं तो उनको सैलरी कैश की फॉर्म में मिलती है, अगर बिजनेसमैन हैं तो कच्चे खाते हैं, बैंकिंग से इतने मुंसलिक नहीं है। आपको पता है कि हमारे मुल्क में सिर्फ 15% लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं और जिन लोगों के पास मोबाइल सिम है उससे कहीं ज़्यादा है, मतलब हमारी उतनी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। और जैसा आपने हमें गाइड किया कि ज़्यादा जो घरों की सप्लाई अवेलेबल है वो कराची या बड़े शहरों से बाहर है जहाँ इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा एक्टिव है, तो उन इलाकों में अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए आप क्या रहनुमाई करेंगे सर उसकी? जी बिल्कुल, आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि एक तो इनकम एसर्टेन हो जाए जो कि एक प्रॉपर सैलरी सर्टिफिकेट है, किसी के पास कोई जॉब करता है वहाँ से मिल जाता है, तो दैट इज़ नॉट अ इशू। आपने जो सवाल किया इनफॉर्मल सेक्टर का, आई थिंक ये बहुत वैलिड सवाल है और ये मेजॉरिटी ऑफ दी जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको के हम देख रहे हैं कि वो वहाँ पे आएंगे, वो इसमें फॉल करते हैं। अच्छा, इस पर रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई, डिप्टी गवर्नर साहिबा ने उस पर, मैं आई वॉज हेडिंग दैट पर्टिकुलर कमेटी
जिसमें ये फाइनलाइज करना है कि जी कैसे इनफॉर्मल सेक्टर की इनकम एस्टिमेशन की जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने अपने कुछ तजुर्बों से, जो कि हमने कुछ अरसे अखुवत के साथ भी काम किया, उनके साथ हमने काफ़ी चीज़ें लर्न करी हैं कि जी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए। अगर कोई शख्स आके ये कहता है कि जी मेरी इनकम 50,000 रुपये है, बट मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपको दिखाने के लिए जिससे मैं ये बता सकूँ या आप कन्फर्म कर सकें, तो वो उससे तरीक़ेकार ये होता है कि हम उससे बहुत सिंपल एक छोटी सी क्वेश्चनर पूछ लेते हैं। वो हम चलते हैं उसके एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर वो किराए के घर में रह रहा है जिसका किराया वो 15,000 रुपये दे रहा है, उसका घर का खर्चा है तकरीबन 15,000 रुपये का, उसके बच्चे हैं जो कि फीस जा रही है उनकी 5,000-5,000 की, और उसकी यूटिलिटी के बिल्स आ रहे हैं 5,000-10,000 के, और वो उस घर में पिछले 5 साल से या 6 साल से रह रहा है किराए पर, तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एसरटेन कि अगर वो ये खर्चे कर रहा है इतने और वो बता रहा है कि मेरी इनकम 50,000 रुपये है, तो बैंक कैन एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट एज ए वैलिड इनकम प्रूफ। फॉर ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने बहुत अच्छे तरीके से जो कॉमन क्वेश्चन थे उनको एड्रेस किया, प्रोसेस बताया, टिप्स दी, और आपने अखुवत का नाम लिया, तो अब अगले हमारा जो सेशन है वह अखुवत के हवाले से ही है। और आई एम श्योर मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है और तमाम लोगों के लिए बड़े ऑनर की बात है कि डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब साहब जैसी हस्ती आज हमारी इस पैनल पे मौजूद है। डॉक्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब का प्रोफाइल बता दूं। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब की जो अचीवमेंट है, प्रोफाइल है, अगर मैं उस पर घंटा भी बात करूंगा तो कम होगा। डॉक्टर साहब अगर कोई कमी रह जाए तो उसके लिए मैं आपसे माजत कहूँगा। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज से स्टार्ट किया और उसके अलावा अखुवत का इदारा इस्टेब्लिश किया। ऊपर को दुनिया भर में बहुत सारे अवार्ड्स, अबिन हमद राशिद मखदूम साहब क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई का अवार्ड मिला था, हमसे रिटर्स का मिला, ग्रेट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2018 बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड शॉ फाउंडेशन। उसके अलावा जो कॉन्स 1992-2018 उसका भी अवार्ड मिला। बाकी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज से नवाजा। डॉक्टर साहब यूनाइटेड नेशंस, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड और दुनिया की कैम्ब्रिज और दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, डॉक्टर साहब ने वहाँ पे एज ए स्पीकर गए। मेरा भी इत्तेफाक हुआ डॉक्टर साहब के साथ कुछ वक्त काम करने का, कुछ बातें सुनने का डॉक्टर साहब के साथ। तो आप डॉक्टर साहब की महफिल में बैठ जाए तो आप इंस्पायर हुए बगैर नहीं रह सकते। डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे अखुवत है सर, पर्टिकुलरली लो कॉस्ट हाउसिंग में जो काम किया, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम किया है वो किस तरह से, तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब आप अपना माइक खोल लें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां जैब साहब, आई एम सॉरी, मैं समझा रहा हूँ म्यूट नहीं है। तो भरत, मैं आई विल बिगिन बाय थैंकिंग यू फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। इतने अच्छे और इतने बड़े बड़े लोग आपने अपने सामने बिठाए हुए हैं माशाल्लाह, तो मैं तो खुद इनसे सीखता हूँ। तो जो कुछ भी आपने कहा मैं उसके लिए तहे दिल से मशकूर हूँ, आई एम एक्सट्रीमली हम्बल्ड। तो मैं आपके सामने जो अखुवत का जो इस हवाले से काम है सिर्फ उसी के बारे में गुफ्तगू करूँगा हाउसिंग के सेक्टर में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरे साथ डॉक्टर कामरान शम्स हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के, और शहजाद अकरम जो हमारे चीफ क्रेडिट ऑफिसर हैं वो भी इस डिस्कशन में हमारे साथ शामिल हैं माशाल्लाह। तो मैं सर, जनरल अखुवत का विजन तो सिर्फ ये आप जानते ही हैं कि वी आर हेल्पिंग द सोसाइटी टू क्रिएट अ सोसाइटी जिसमें हर शख्स इज्जत और आबरू के साथ जिंदा रहे, ये हमारा विजन है। और ये विजन हमारा ड्रॉ होता है इस्लामिक स्पिरिट ऑफ सॉलिडेरिटी से, मवाखात मदीना से,
जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आधे लोग गरीब हैं आधे अमीर हैं तो दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लें ईसार और कुर्बानी और भाईचारे का, तो वो सारा मुआशरा खूबसूरत हो सकता है। और उसकी मिसाल मवाखात मदीना की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। और वट एवर वी आर डूइंग वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट ग्रेट ट्रेडिशन और उन्हीं स्टोन्स उन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इख्वत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस के साथ साथ फिर हमने घरों के बारे में एक सिलसिला शुरू किया घरों की तामीर का। तो घर के बारे में थोड़ी सी मैं बात बता दूं कि घर को संगो खिश्त का एक ढेर नहीं समझना चाहिए। यूएनडीपी वाले कहते हैं कि अगर दो कमरे हों एक किचन और एक बाथरूम हो तो ये घर है। तो घर से मुराद ये नहीं है कि वहां पर तीन बेडरूम हो और एक टीवी लाउंज हो और एक ड्राइंग रूम हो जो आम लोगों का तसव्वुर होता है। पाकिस्तान में गरीब आदमी एक कमरे में 10-10 अफराद रहते हैं। तो इस हवाले से दो कमरे एक किचन एक बाथरूम भी एक घर है। और फिर ये सिर्फ घर जैसे मैंने कहा कि ईंटों का ढेर नहीं है बल्कि इट्स अ प्लेस टू लिव जहाँ पर फैमिली जो फॉल एंड राइज टुगेदर जो एक इमोशनल एक्सपीरियंस है और एक बहुत बड़ा एसेट है। हर माँ जो है वो जब उसका घर बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले वो ये ख्वाब देखती है कि हमारा अपना घर कब होगा। यानी ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है घर से और एक एसेट है। जब कभी खुदा ना खास्ता जरूरत हो तो ये एसेट भी उनके काम आ सकता है। और ये एक जज्बाती सहारा है और इसके साथ जो यादें वाबस्ता होती हैं वो इंसान की जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। तो हम सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि ये एक बड़ा दिलचस्प और एक बड़ा खूबसूरत एक इंसानी जिंदगी में एक संग मील है जो हर शख्स के पास होना चाहिए। पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि 9 मिलियन से ज्यादा बल्कि अब तो 10-11 मिलियन की बात करते हैं घर नहीं है। और फिर जाहिर है साउथ एशिया में सेकंड वर्स्ट हमारी सिचुएशन है घरों के हवाले से। और अगर हम ये घर बनाना शुरू कर दें तो एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस की जो हमने बात की उससे कहीं बढ़कर ये इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, जॉब्स क्रिएट होते हैं और लोगों को अपना एक छत मिलती है। ये एक आपको पिरामिड में दिखाना चाहता हूं कि इसमें हाई इनकम मिडिल इनकम पुअर और एक्सट्रीम पुअर लोग हैं। यानी हाई इनकम और मिडिल इनकम के लोग वो हैं जो शायद इंफरादी तौर पर किसी बैंक के पास जाएं और वो अपने कोलेटरल ऑफर करें या उनके पास तनख्वाह है वसाइल हैं तो बैंक उनको वो कर्जा दे सकता है। लेकिन ये पुअर और एक्सट्रीमली पुअर वो लोग हैं जिनके पास एक्सट्रीमली पुअर तो वो है जिनके पास ना जमीन है और ना घर है। तो उससे ऊपर भी एक कैटेगरी है जो उम्र भर की कमाइयां कर करके जैसे मैं कई दफा कहता हूँ कि माओ ने या वालदेन ने कमेटियां डाल डालकर दो दो तीन तीन मरले के प्लॉट खरीद रखे। अब इसके बावजूद कि वो प्लॉट है उनके पास लेकिन वो टाइटल इतना क्लियर नहीं है या वैलिड नहीं है, हैज जेन्युइन लेकिन वो कानूनी तौर पर इतना क्लियर नहीं है कि बैंक उस पर एतमाद कर सके। तो प्रॉपर्टी होने के बावजूद और सोर्स ऑफ इनकम होने के बावजूद ये 60-70-80 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग ऐसे हैं मुख्तलिफ रिसोर्स से, हाउस होल्ड इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, कि इनके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि वो कन्वेंशनल जो हमारा मौजूदा बैंकारी का निज़ाम है उसके ज़रिए से ये घर बना सकें। ये बैंकारी निज़ाम के ऊपर मेरा क्रिटिसिज्म नहीं है, उनकी जो सिस्टम्स हैं उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ऑफ कोर्स वो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, बट द पॉइंट इज के इस गरीब आदमी के पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो किस तरीके से उनको जाके सेटिस्फाई कर सके। तो हमारा फोकस जो है लो कास्ट हाउसिंग में ये एक्सट्रीमली पुअर और उस पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर है। अच्छा, मैं इसमें सिर्फ मिसाल आपको प्राइम मिनिस्टर्स लो कास्ट हाउसिंग स्कीम की दूंगा कि आज से तकरीबन 3 साल पहले जब मौजूदा हुकूमत आई तो उस वक्त से हमारा ये डायलॉग शुरू हुआ और लास्ट ईयर फरवरी में हमें पहली ट्रांच मिली। एक बाकायदा ट्रांसपेरेंट पेपरा के प्रोसेस के जरिए से उन्होंने अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को सिलेक्ट किया। कॉन्सेप्ट ये था कि घर हम नहीं बनाएंगे बल्कि हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको मैंने आपको बताया कि 2-3-4 मरले के प्लॉट्स मौजूद हैं लेकिन उनके पास फाइनेंसिंग नहीं है। तो हम एक कंडूट हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का
ये इनिशियली 5 अरब रुपए की एक स्कीम जो हुकूमत ने खुद से पैसे फराहम किए और हमारे जरिए से ये पैसे जो हैं ये उन लोगों तक पहुंचते हैं और हम उनको नक्शा बनाने में मदद देते हैं, कंस्ट्रक्शन में मदद देते हैं, तामीर की निगरानी करते हैं और उसके बाद फिर हमारी जिम्मेदारी ये है कि 5 साल के अंदर अंदर हमने वो रकम उनसे वापस भी लेनी है। ये थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड है कि 2019 में अक्टूबर में फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, एग्रीमेंट साइन हुआ, फंड्स एलोकेट हुए। ये फंड्स जो रिलीज हमें 2 साल के अंदर हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता 1-1 बिलियन करके, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग इसको ओवरसी करती है और अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये जो स्कीम है इसका बताना आपको इसलिए भी जरूरी है कि इसी स्कीम की बुनियाद बनाकर हमारी कोलैबोरेशन मुख्तलिफ बैंकों से भी हुई है और फ्यूचर में बहुत सारे और बैंकों के साथ हम ये मिलकर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ये सेलियंट फीचर्स यही है कि 5 अरब रुपयों से इसका आगाज हुआ, अब तक तकरीबन इंटरेस्ट फ्री ये लोन दिए जाते हैं और 5 लाख इसकी अपर लिमिट है, रीपेमेंट तकरीबन 5 बरस के अंदर अंदर होती है और इंस्टॉलमेंट्स जो है वो मंथली बेसिस पर होती हैं। एवरेज मंथली इंस्टॉलमेंट 15,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन हमारे पास इस वक्त जो एवरेज निकल रही है वो 10,000 से 11,000 रुपए है। यानी ये वो लोग हैं जिनके घर की कलेक्टिव इनकम 50-60 हज़ार रुपए है और उस इनकम में एक शख्स की इनकम नहीं है, वो माँ भी काम करती है, बेटा भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बाप भी काम करता है, तो 50-60 हज़ार रुपये वो कमाते हैं और उसमें से 10,000 रुपए एवरेज लोन साइज बनता है जो किसी भी एतबार से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कि 1/3 अगर अपनी इनकम का वो डेट रिटायरमेंट में दे सकता है उस हवाले से वो उसके लिए कोई बोझ नहीं है। इससे कहीं ज्यादा रकम वो बाज़कार किराए की सूरत में दे रहे होते हैं। यानी हमने उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ढूंढा जिनके पास जमीन की सूरत में प्लॉट एक मौजूद है, उनके पास घर की नीड है और फिर उनके पास इनकम है, फिर उनके पास ऑब्वियसली हम देखते हैं कि उसका CIB करते हैं, उसकी सोशल अप्रेजल करते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में पूछते हैं और ये 3 मकासद के लिए कर्जे दिए जाते हैं। एब्सोल्युटली ग्रीन फील्ड है कि जी बिल्कुल नया घर बनाना है, 1 कमरा बनाना है, 2 कमरे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, और ये 2 कमरे बाथरूम और किचन जो है ये हमारी कैलकुलेशंस के मुताबिक 6 लाख से 8 या 9 लाख रुपए में बनता है इन लोगों का। तो ये अगर हम 5 लाख कर्जा देते हैं तो वो चाहे तो पूरा का पूरा घर बनाने के लिए 1 लाख और ऐड कर दे या फिर वो उसको इंक्रीमेंटल बेसिस पर बना ले कि पहले एक हिस्सा बना ले फिर पैसे वापस करके दूसरा बना ले। तो न्यू कंस्ट्रक्शन है जी, एडिशन है और रेनोवेशन है, ये इसके सेलियंट फीचर्स है। अब तक हमने क्या किया? अब आप ये देखेंगे 17 मई की ये हमारी प्रोग्रेस है। 5 बिलियन जो हमें मिले वो इकट्ठे नहीं मिले, स्टेगर करके मिले। अभी तक हम तकरीबन 11,373 हाउसेस को फाइनेंस कर चुके हैं। ये 5.4 बिलियन की जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और 4.6 बिलियन हम डिसबर्स कर चुके हैं। ये एक रिवॉल्विंग फंड है, यानी जो पैसे चले जाते हैं जब इंस्टॉलमेंट वापस आती हैं तो वो फिर दोबारा से नए घरों के लिए चले जाते हैं। और डिस्पाइट दी कोविड की जो वर्स्ट सिचुएशन थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिकवरी परसेंटेज 99.9% है। ये जो 11,373 घर हमने फाइनेंस किए हैं ये पूरे पाकिस्तान में हैं और ये फाटा में भी हैं, ये गिलगित में भी हैं, ये चारों सूबों में भी हैं, ये आज़ाद कश्मीर में भी हैं और अल्टीमेटली जो इसकी रेशो है वो नेशनल जो अवार्ड है उसके मुताबिक होगी। और इस 11,373 घरों में आप देख रहे हैं कि नई कंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरवेलमिंग है, 10,283 है। फिर किसी ने 1 कमरा 2 कमरे बनाने हैं तो वो एडिशन के लिए 761 हैं। रिपेयर बस का फर्श टूटे हुए हैं, छत टूटी हुई है, बारिश के दिनों में पानी आता है तो किचन खराब है, इस किस्म की चीजें, तो ये थोड़े से इसके लिए कर्जे हैं। तो ये मैं एक छोटी सी आपको दिखाऊंगा घरों की तस्वीरें, आप देखकर आपको अंदाजा होगा कि ये किस किस्म के घर हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है 1 से 1.5 मिनट की, तो इसको आप देखेंगे तो फिर
I would like to conclude and then we can have some question answers iske bare mein ji. Ji bilkul aur sab dikhaiye. मेरी नसीब बात आवाज को बंद नहीं सर आवाज नहीं आ रही भी आपकी वसीम कह रहे देखिए ये जहाजेब साहब होस्ट ने तो नहीं म्यूट किया हुआ हमें अज़ियाब देखें आप लोगों ने म्यूट तो नहीं किया पर डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है जो जो वीडियो प्ले कर रहे हैं उनकी तरफ से आवाज नहीं है जी बिल्कुल ऐसा ही डॉक्टर साहब जैसे हैं मतलब जस्ट गिव वन मिनट सर एक मिनट दे दीजिए हम दोबारा देख रहे हैं ठीक है सर टेक योर टाइम नो प्रॉब्लम अब आपको आप बताइए आ रही है आवाज नो सर आवाज नहीं आ रही स्टॉप शेयर करें ना से पहले नीचे स्टॉप शेयर या जी अब आवाज आ रही है जाजेब साहब आवाज आ रही है जी जी वीडियो आ रही है और आवाज भी थोड़ी सी शुरू हुई है आप चले प्ले करें इसको बैठ जाओ मैं डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से बैंडविड्थ का मसला है तो वो वीडियो भी अटक इसको हम खत्म करते हैं हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं बंद करते हैं ठीक है सर ठीक है लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल प्रेजेंटेशन जी वो निकालने वाली बस वो जो ऊपर वाली इस ऊपर वाली इसको नहीं अच्छा मैं आपसे सर ये अब मेरी आवाज आ रही है आपको जी जाजेब साहब आवाज आ रही है जी डॉक्टर साहब आ रही है आ रही है अच्छा चलें सर कमिंग बैक टू दिस ओरिजिनल हमारी जो पहली स्लाइड थी बात सर ये है कि वो वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा था दैट वाज अबाउट फ्यू ऑफ हाउसेस जो हमने बनाए हैं यस मैं इस तरह डॉक्टर साहब आवाज आपकी ये तासर ये होता है कि शायद 5 लाख से कोई घर नहीं बनता तो हमारा जो एक्सपीरियंस है कि जो एक्सट्रीमली पुअर जो जो स्टेटा है ऑफ सोसाइटी उनके लिए 5 लाख रुपए भी बहुत बड़ी रकम है तो जब ये शुरू में डिस्कशन हुई तो बहुत सारे लोगों ने कहा जी कि हम ऐसे फ्लैट्स ऐसे अपार्टमेंट्स बनाएंगे जैसे अभी डिस्कशन में भी बात हुई कि जिनकी मंथली इंस्टॉलमेंट 60-70 हज़ार रुपये होगी तो अब 60-70 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट वो शख्स कैसे दे सकता है जिसकी घर की कुल आमदनी महीने की 40-50 हज़ार रुपये है तो ये उस 40% पाकिस्तान के लिए ये स्कीम सूटेबल है ये जो प्राइम मिनिस्टर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम है जो मुख्तलिफ लोकेलिटीज़ में उन लोकेलिटीज़ में जहाँ पर पानी मौजूद है सड़क मौजूद है स्कूल मौजूद है मस्जिद मौजूद है और वो इलीगली ऑक्यूपाइड नहीं है वो कोई लैंड ग्रैबर्स के ज़रिए से उस शख्स तक नहीं पहुँची और उसके पास टाइटल मौजूद है तो इसकी कोलेटरल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि हम
उसको पैसे किस बुनियाद पर देते हैं। तो कोलेटरल उसका सर जो है कि हम उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं घर के, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारा सोशल कोलेटरल का एक निज़ाम है कि जिसके तहत लोगों की जो क्रेडिबिलिटी को हम असेस करते हैं फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम पीपल, उसके हमसायों से, उसकी CIP क्लियरेंस के जरिए से, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के जरिए से। नंबर टू यह है कि उसको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसकी है, उसका फर्द है, उसका इंतकाल है, उसकी रजिस्ट्री है, तो वो ओरिजिनल पेपर्स जो हैं वो हम अपने पास रख लेते हैं बैंक के लॉकर में, और उसके पास एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर्स हमारे पास रहेंगे जब तक कि वो तमाम की तमाम रकम वापस नहीं करेगा। तो ये है हमारा दो वेज हम अपने उस रकम को जो किस तरीके से हम महफूज करते हैं या कोलेटरलाइज करते हैं। तो इस निज़ाम के तहत जब 5 अरब रुपए की ये डिसबर्समेंट हुई तो प्राइम मिनिस्टर गॉट एन प्रेजेंटेशन एंड ही वाज वेरी इंस्पायर्ड कि जी ये वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जहां तक वाकई मैं पहुंचना चाहता हूं और हम किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। तो नाउ दिस अमाउंट ऑफ 5 बिलियन हैज बिन ट्रिपल्ड, अब इसको रकम में तकरीबन 15 अरब रुपए कर दिया गया है। इसमें एक चीज ये है कि जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस है वो हुकूमत नहीं देती, यानी हुकूमत ने ओरिजिनल कॉस्ट जो ओरिजिनल कैपिटल अमाउंट हमें दी है, और चूंकि दिस वाज द बिगिनिंग और बिगिनिंग में हमेशा इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होती और बहुत सारे और चीजें नहीं होती, फिर इसके अलावा एडिशनल भी कुछ फैसिलिटीज यानी नक्शा बना के देना और उस नक्शे के मुताबिक उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग करनी और फिर उसके बाद उसको सुपरवाइज करना, तो ये जिम्मेदारियां भी थी। तो ये जो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट है ये बोरोअर अदा करता है, और ये तकरीबन 5 लाख के ऊपर 1 लाख या 1,10,000 रुपए बनती है स्प्रेड ओवर 6 5 5 years। तो ये हमारा शुरू में हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि जूं जूं हमारी ये इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ती चली जाएगी तो ये भी ऑपरेशन कॉस्ट भी इंशाल्लाह ताला शायद वक्त के साथ साथ कम होती चली जाएगी। तो ये था सर हमारा ओरिजिनल मॉडल। इससे पहले हम अपने तौर पर करते थे उसमें 2 लाख रुपए तक के कर्जे देते थे, बट जब हुकूमत इसके साथ एंटर होती है तो ये 5 लाख के हुए हैं। और अब सिमिलर पैटर्न पर हम हुकूमत पंजाब के साथ भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और बलोचिस्तान की हुकूमत के साथ भी इसी तरह का एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब अगली बात सर ये आई कि हमारी रिलेशनशिप क्या हमारे एस्टीम्ड जो बैंकर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, इनके साथ भी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उसमें फिर बहुत सारी हमारी डिस्कशंस बैंक्स के साथ हुई और उसमें हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये पार्टनरशिप हो सकती है इस्लामिक बैंक से। उसमें अखुवत विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ एन एजेंट, यानी अखुवत सबसे पहले जो लोन ओरिजिनेशन का काम करती है, आइडेंटिफिकेशन, उसकी इनिशियल अप्रेजल, उसको इन्फॉर्मेशन देना, उसको तो पता ही नहीं है कि कर्जा कैसे मिलता है और क्या कागज रखे जाते हैं और क्या चीजें जरूरियात होती हैं। तो ये वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो जनरली सब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं अभी स्टेट बैंक के भी एक स्पीकर है तो थोड़ा सा जरा टेक ओनली 1 मिनट जी। जी सर, तो उसमें सर ये है कि डिफरेंट बैंक्स के साथ हमारा उसमें से कुछ के साथ हमारी फाइनल एग्रीमेंट्स हो गए हैं, जिसमें हबीब बैंक है, जिसमें बैंक इस्लामी है, और जिसमें UBL के साथ अभी कुछ चीज़ें मजीद डिस्कस हो रही हैं, बैंक ऑफ पंजाब है। तो अभी हमने उनको इनिशियली 40-40, 50-50 केसेस आइडेंटिफाई करके उन तक पहुँचाए हैं और वो अपने सिस्टम के तहत उनको फर्दर एवेल्यूएट कर रहे हैं, और होपफुली विद इन अ मंथ वी विल बी इन अ पोजीशन कि हम कुछ घरों को ये कर्जे दे सकें। तो वो जब एक दफ़ा एक स्टैंडर्ड सेट होता है तो फिर हमें उम्मीद है कि हमारे पास जो मोर देन 100,000 का डेटा मौजूद है, जो लोग इस जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी या जीरो कैटेगरी आप कह रहे हैं उस हवाले से हम उनको सर्व कर सकेंगे। तो 20 लाख तक का जो सेक्शन है उसके लिए ये एक आइडियल पार्टनरशिप है। तो मुझे सारे दोस्त हमारे बैंकर्स नज़र आ रहे हैं, अहमद अली सदीकी साहब और अरशद मजीद साहब की तस्वीर मेरे सामने है, बाकी ज्यादा शायद आपने छुपा दी हुई है इस प्रेजेंटेशन के पीछे। तो वी विल बी वेरी हैप्पी कि अगर वो हमारे साथ इस फर्दर निगोशिएट करें। हमारा अपना विजन भी यही है कि हम
एटलीस्ट 1 मिलियन घरों तक, जो 5 मिलियन प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। एक्सट्रीमली पुअर और जो ये लोग हैं इनको हम कैसे सर्व करेंगे। तो दिस इज ब्रॉड उसकी आउटलाइन मैं शेयर कर रहा था 5-7 मिनट में, तो यही कुछ मैं बता सकता हूँ। बाकी आपके क्वेश्चन जो होंगे आई विल बी हैप्पी, एंड आई अगेन थैंक यू जहांजेब साहब, आपने बड़ी मेहनत की है इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में, आपको बदलना भी पड़ा टाइम, और आपके बाकी पार्टनर आईबीए का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल द डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट, उन्होंने जो अपनी बातें की हैं उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Dr. Saab, for your valuable time, and it is always an honor for everyone to host you and invite. Now I move to the next speaker, the next panelist. State Bank of Pakistan se Imran Ahmed Saab ne hame join kiya hai, aur ye hame batayenge ki agar ek customer hai usse koi complaint aati hai ya usse koi difficulty hoti hai low cost housing ke hawale se, koi bank usko entertain nahi karta, to State Bank ne customer support ke liye, उसकी आगाही के लिए, उसकी सहूलत के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया है। तो इमरान अहमद साहब इंशाल्लाह ताला आप प्लीज इसके ऊपर बताइए ताकि हमारे जो लोग मौजूद हैं, जो सामईन हैं, उनके लिए आसानी हो। इमरान अहमद साहब, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब आपका, आईबीए का, कि इस तरह के आप सेमिनार या वेबिनार्स मुनक्किद करते रहते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान में जो लोगों तक आगाही पहुंचाना बड़ा ही अहम काम है। और आपने ज़ाहिर है कि अमजद साकिब साहब से कहा कि भाई आप थोड़ा टाइम कम कर लें ताकि स्टेट बैंक के जो है, मेरा ख्याल है हमारी जो बातें ये तो अक्सर होती रहती हैं, अमजद साकिब साहब से जो हमने सुन रहे थे वो ज़्यादा अहम था। तो मैं तो अगर मेरे पास अनम्यूट करने की उस वक्त गुंजाइश होती तो मैं ज़रूर दरख्वास्त करता कि बजाय इसके कि आप मेरे लिए एक वक्त निकालें, अमजद साकिब साहब का सेशन चलता रहे, उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमारे इन केस मुख्तसर वक्त में मैं थोड़ा सा वो कर लें, तो ज़्यादातर चीज़ें तो डिस्कस हो चुकी हैं कि स्टेट बैंक पे अब सब लोग यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और स्टेट बैंक मिल के कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को आगे ले जाएँ। हाउसिंग जो चंद साल पहले, अब जाहिर है कि मैं अगर माजी में देखूं तो हमने जो एक हाउसिंग एडवाइजरी ग्रुप था, है उसकी रिकमेंडेशंस थी 10,000, उस पर भी काफ़ी काम किया था। उस वक्त एक हमने मॉर्गेज बैंकर्स एसोसिएशन भी बनाई थी और डिफरेंट चीज़ों पे काम किया, हाउसिंग ऑब्जर्वेटरी को उसको इवेल्यूएट किया कि वो होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए लोगों के पास ताकि वो यानी जो रिसर्चर्स हैं वो इस पर फर्दर काम कर सकें। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस को भी ऑपरेट, फिर हमने पहले ये कंज्यूमर का पार्ट थे उससे अलग किया, पाकिस्तान मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी का एक थोड़ा सा लंबा सफ़र था, इसको बाहर अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके मैनेजमेंट ने इस पर काफ़ी मेहनत करके अब इसका बड़ा अच्छा मॉडल शुरू कर दिया है, काफ़ी सारे बैंकों से रीफाइनेंस भी शुरू हो गया उनका, प्लस उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर रिस्क कवरेज का भी एक मेकनिज़म इन प्लेस कर दिया है। मैंडेटरी टारगेट्स का भी अब ज़्यादातर लोगों के इल्म में है। इस स्लाइड के हवाले से अब ये बात है कि जो अभी रिसेंटली स्टेट बैंक की इस्लामिक बैंकिंग स्ट्रेटजी अनाउंस हुई है उसमें भी हाउसिंग इस्लामिक हाउसिंग के हवाले से स्पेसिफाइड टारगेट्स रखे गए हैं कि बैंक इस्लामिक बैंकों का जो ओवरऑल फाइनेंसिंग साइज होगा उसको हाउसिंग को कितने परसेंट होना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अब तक जो स्टेट बैंक की हाउसिंग की साइड है वो एक मेहनत कर रहे थे। पिछली स्ट्रेटेजी में भी इसका जिक्र था कि इस्लामिक बैंकिंग हाउसिंग को एसएमई को प्रमोट किया जाएगा, बट इस तरह से एक स्पेसिफिक टारगेट लेके चलना ये अब हो गया है। तो इंशाल्लाह हमारे स्टेट बैंक में भी जो एक कोहियन होगी विद इन द जनरल साइड एंड इस्लामिक बैंकिंग साइड, इस पर भी ऑलरेडी डिस्कशन तो हो गई है कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं हमारी स्कीम में, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि जो फाइनेंसिंग साइज है वो बढ़ा के 1 करोड़ तक कर दिया गया है, कि जो काफ़ी सारे लोग थे वो कहते थे हाँ घर लेना चाहते हैं लेकिन जो पहले अमाउंट थी वो खासी कम थी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक की कोशिश से, गवर्नमेंट की उसमें मंजूरी से ये चीज़ें कर दी गई हैं। जैसे नवीद साहब ने भी कहा था कि ये एक बड़ी मुश्किल आ गई थी कि फर्स्ट एक साल से ज़्यादा पुराना घर ना हो, तो अच्छा हुआ कि रवीजन में उसको भी रिलैक्स कर दिया गया है।
ये भी एक मसला बन गया था कि जो रिटायरमेंट के करीब लोग होते हैं उनकी माशाल्लाह तनख्वाह अच्छी हो चुकी होती है, लेकिन जो 55 साल तक के लोग थे उनको पिछले जो इब्तदाई स्कीम थी उसमें उनको मना कर दिया गया था, लेकिन अब यह है कि चले 55 साल तक के लोगों को कंसिडर किया जा सकता है, अप्रूव हो या ना हो वो चले बात की बात है। हाउसिंग की जो कैप है वो भी ख़त्म कर दी गई है, पहले ये था कि मैक्सिमम हाउसिंग प्राइस भी तय कर दी गई थी। अभी हमें ज़ाहिर है कि जैसे अब जहांजेब साहब ने कहा कि हम जो फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो मिस्टर शॉपिंग की गई है बहुत सारी ब्रांचेस की, इसके 6 राउंड्स चल चुके हुए हैं और काफ़ी हज़ारों में जो ब्रांचेस हैं उनकी मिस्टर शॉपिंग हो चुकी हुई है। कुछ बैंकों के रिजल्ट बेहतर हुए हैं, कुछ के अभी तक नहीं हुए। तो बार ज़ाहिर है कि स्टेट बैंक की जो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट है, डिप्टी गवर्नर, गवर्नर, वो बैंकों के प्रेजिडेंट्स के साथ इसको शेयर कर रहे होते हैं कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। जहाँ तक फिर फर्दर फैसिलिटेशन की बात है तो उसमें हमने 2 किस्म की चीज़ें इन प्लेस की हुई हैं। एक तो हेल्प डेस्क हैं जो स्टेट बैंक के तमाम ऑफिस में बनाए गए हैं, वहाँ पर हमने बैनर्स भी लगाए हुए हैं और कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ द ऑफिस, कुछ हमारे ऑफिस बड़े हैं कुछ छोटे हैं, उसके हिसाब से वहाँ पर जैसे कराची और लाहौर में 2-2 लोगों को बिठाया गया है, कुछ छोटे ऑफिस हैं मिसाल के तौर पर डेरा इस्माइल खान का है या हैदराबाद सफर के हैं, वहाँ पर एक एक रिसोर्स बिठाया गया है। तो वो वॉक इन जो पर्सन होते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको पूरा समझाते हैं स्कीम क्या है और बैंकों से भी उनकी वो करा देते हैं मैच मेकिंग। प्लस कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बैंकों के साथ कुछ शिकायत होती हैं। अब उस शिकायत के अजाले 2 तरीके से हैं, एक तो वो रीजनल लेवल पे भी उसको कर सकते हैं, दूसरा स्टेट बैंक ने जो यहाँ पर सेकंड बुलेट पॉइंट है एक पोर्टल का भी इंतजाम किया हुआ है। इस पोर्टल पे अब तक हमारे पास कोई 1100-1200 कंप्लेंट्स आ चुकी हुई हैं जिसमें से ज़्यादातर रिजॉल्व हो गई हैं और अब फ्रेंकली स्पीकिंग जो ज़्यादा कंप्लेंट्स हमारे पास आई हैं वो प्रोसेसिंग टाइम की है कि वो लोग कह रहे हैं कि 4-4 महीने हो गए हमने अप्लाई किया हुआ है। कुछ केसेस में तो शायद वो ये समझ रहे थे कि जो फर्स्ट हमने एप्लीकेशन दी थी उसी से काउंट होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स हमारा जो टाइम पीरियड है वो तो कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन से गिना जाएगा जो 30 डेज का है। बट एनीवे फिर भी जो 4-4 महीने लग गए, 5-5 महीने वो ज़्यादा था। इस वजह से फिर स्टेट बैंक ने अभी रिसेंटली भी सर्कुलर इशू किया जिसमें कहा गया कि आप एप्लीकेशंस का ऑनलाइन सिस्टम बनाएं, ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं, लोगों को उसकी रसीद दें ताकि उनको पता हो और जहां जिनसे बैंक के पास पॉसिबल हो तो फौरी तौर पे SMS अलर्ट्स का इंतजाम करें। इन चीज़ों के जरिए कोशिश की जा रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्लेंट्स इस पोर्टल पे यही कर रहे थे कि एक तो डिलेड है, दूसरा हमें ब्रांच लेवल पे कोई पता नहीं चल रहा कि हमारी उसका स्टेटस क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन दी हुई थी। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें और डेली बेसिस पे हमारे पास आ जाती हैं कोई 25 से 30 कंप्लेंट्स जिनको बैंकों के रीजनल फोकल पर्संस और हेड ऑफिस फोकल पर्संस के साथ मिलके हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ में तो जाहिर है कि लोग अच्छे तरीके से इजीली मान जाते हैं कि ठीक है बैंक हमें अगर फैसिलिटेट करने को तैयार है तो हमारी कंप्लेंट्स को क्लोज कर दिया जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी फिलहाल ना करें जब तक हम अगले स्टेप पर नहीं पहुँच जाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 7-7 दफ़ा कंप्लेंट की है, मतलब उनको बैंक के बावर करा देते हैं कि आप परेशान ना हो, बस आप इस कंप्लेंट क्लोज कर दें, हम आपके जो केस है उसको प्रोसेस कर लेंगे, फिर उसको टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं बैंकों के फोकल पर्सन के साथ और उनके हेड ऑफिस के साथ मिल के लोगों को जो जिस तरह से हमने जाहिर है कि जो स्टेट बैंक जितने भी इंस्ट्रक्शन इशू करता है वो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से या अदर बैंक से, इसमें जाहिर है कि कुछ हमारे साथ आज भी मौजूद है जो स्टेट बैंक डिफरेंट कमेटीज को हेड कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशंस के बाद हम यानी स्टेट बैंक इशू करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, तो उसको फिर लोग फॉलो कर रहे होते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन इशू की गई और बैंक किस तरह से वो कर रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास जो बैंकों के क्लेम्स भी आने शुरू हो गए हैं उनको भी हम प्रोसेस कर रहे हैं और उनको भी इंशाल्लाह जल्द ही पेमेंट्स कर देंगे। तो ये हमारा कुछ फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि स्टेट बैंक का रेगुलेटरी रोल है जिसमें रेगुलेशन इश्यूज करते हैं, फिर फैसिलिटेटिव रोल है जिसमें हम बैंकों की ट्रेनिंग्स करते हैं, अदर वेज एंड मीन्स के लिए उनके साथ डिस्कस करते हैं, प्लस हमारा ये जो आवाम के लिए फैसिलिटेशन का जो फ्रेमवर्क है इसमें
सब्सिडी पोर्टल है और उसके अलावा हेल्प डेस्क है जिसके जरिए हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जानदेव साहब, ओवर टू यू। थैंक यू इमरान साहब। जानदेव साहब कुछ टेक्निकल वजह की बिना पे रिकनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक ये हमें बताया कि स्टेट बैंक काफ़ी इस पे नज़र रखा हुआ है और ये चेक कर रहा है कि कोई कस्टमर को बैंकिंग के वजह से कोई जहमत ना हो। और जैसे आपने बताया कि कुछ बैंक अभी इस हाउसिंग स्कीम में नए आए हैं और उस वजह से प्रोसेसिंग टाइम की कुछ कंप्लेंस हैं और आई वी होप कि ये कंप्लेंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगी। लेकिन मैं यहीं पे इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अर्शद साहब से ये एक आप ये बताएँ कि एक नॉर्मल टाइम है जो लगता है केस को और किस तरह से हम अपने कस्टमर एक अपने केस की प्रोसेसिंग को तेज़ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच अहमद, आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें क्योंकि आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मैं पूरा क्वेश्चन सुन नहीं सका। कि ये जो एक आम कस्टमर को कितना टाइम लगता है केस के अप्रूवल में और वो क्या स्टेप्स हैं कि उसका केस जल्दी अप्रूव हो जाए और क्या वो करे और बैंक की तरफ से क्या उसकी हेल्प की जा सके। जी जी थैंक यू वेरी मच, आई थिंक इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। देखिए हाउसिंग का केस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जिस तरह से मैंने अपनी जो अर्ज किया था इसी वेबिनार में शुरू में कि इसके दो स्टेप्स में हम कस्टमर को डील करते हैं। नंबर वन, जब पहले कस्टमर आता है तो वो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सिंपल अपना शिनाख्ती कार्ड देता है तो हम उसकी ECIB वगैरह निकाल लेते हैं और उसकी जो इनकम उसने हमें दी हुई होती है उसके हिसाब से उसकी लिमिट कैलकुलेट करके हम उसको एक ऑफर लेटर तो दे देते हैं, प्रिलिमिनरी ऑफर लेटर, जिसके तहत वो बैंक उनको बता देता है कि जी आपको इतने पैसे मिल सकते हैं। नाउ दैट एट दैट टाइम बॉल वेंट टू द कोर्ट ऑफ द कस्टमर कि वो जाए प्रॉपर्टी पसंद करे और उस प्रॉपर्टी को लेके आए। हमने हमारे पास केसेस दो दिन के अंदर भी डिसबर्स हुए हैं और इसको ज्यादा पीरियड भी लग जाता है। द ओनली रीजन इज द इनकम्प्लीट सबमिशन ऑफ द केस। अगर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो, हर चीज़ अवेलेबल हो, तो बैंक के पास कोई रीज़न नहीं है इसको डिले करने का और वो चीज़ फौरन अप्रूव हो जाती है। आप समझें कि एक स्टैंडर्ड में अगर आज अप्लाई करता है कस्टमर तो 3 दिन के बाद उसकी अप्रूवल अमाउंट की और उसके बाद फिर वो जब भी डॉक्यूमेंट लेके आएगा 1 हफ्ते के अंदर लेके आ जाए तो 1 हफ्ते में डिसबर्समेंट हो जाती है, 1 हफ्ते के बाद लेके आएगा तो उसे 1 हफ्ते के बाद डिसबर्समेंट होगी। This is the procedure. Okay. देखिए हमारे पास अभी कुछ और भी सवाल आते हैं। एक जो सवाल जो कॉमन आ रहा है लोगों का वो है को बॉरोअर के हवाले से, अगर एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो क्या वो दोनों फैमिली मेंबर्स मिलके कोई घर ले सकते हैं, इस पे अगर हमारे पैनलिस्ट थोड़ा सा हम पे रोशनी डालें। नवी साहब आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरे ख्याल से इसमें तो क्लेरिफाई शुरू में हमने किया भी था लेकिन इसको दोबारा कर देते हैं। अगर को-बॉरोअर है तो ये दोनों ट्रस्ट बनाया है उसका अकाउंट खोलो। जी ये दोनों की इनकम बिल्कुल ली जा सकती है और उसको शामिल करके उनका जो डेट बर्डन है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल इसमें कोई वो इबाम नहीं है। मैं तमाम पैनलिस्ट का, तमाम बैंक्स के पैनलिस्ट का, नवीद मलिक साहब का, अर्शद मजीद साहब का, स्टेट बैंक से इमरान अहमद साहब का और खुसूसी तौर पे अख़ुवत से डॉक्टर अंदर साकिब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा तहे दिल से, और आखिर में अहमद अली साहब से भी, अहमद अली सिद्दीकी साहब का और IBC का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस तरह की सीरीज लॉन्च करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अहमद अली सिद्दीकी साहब से कि वो सेशन को कंक्लूड करें। ओवर टू यू अहमद साहब। थैंक यू और तमाम पैनलिस्ट का, डॉक्टर अमजद साकिब साहब का, नवीद मलिक साहब का, अरशद मजीद साहब का, इमरान अहमद साहब का और जहानजेब आपका भी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इस वेबिनार को कंडक्ट किया।
और उन तमाम नाजरीन का जिन्होंने से ज्वाइन किया और जूम पे ज्वाइन किया। और IBACIFF के जो इस्लामिक फाइनेंस सेंटर है उसका मकसद यही है कि हम ऐसे इश्यूज जो अवाम में बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग के हवाले से उनको हाईलाइट करें, उन पे डिस्कशंस करें, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शरिया कंप्लाइंट तरीके से अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। और ये हमारा वेबिनार भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये वेबिनार आपको IBACIFF के फेसबुक पे भी अवेलेबल होगा, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह आप अपनी सजेशंस हमें दीजिएगा ताकि हम इस तरह के मज़ीद वेबिनार्स और इस तरह के मज़ीद टॉपिक्स पे आपके साथ दोबारा हाजिर हों। मैं तमाम पैनलिस्ट का दोबारा शुक्रगुजार हूँ, जानदेव आपका और आपकी टीम का भी, और डॉक्टर साहब का, DIB की टीम का, मीज़ान बैंक की टीम का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कि आपने इसमें हमारे साथ कोऑपरेट किया। सो थैंक यू वेरी मच, और तमाम शुरका को एक दफ़ा फिर शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।